सो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गेट्स ट्रिपल्ड देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट चेंजेस बाय ए फैक्टर. तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास लैम्डा होता है वो होता है h बाय पी यानी मोमेंटम, एच डिवाइडेड बाय, मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट 2ME. ओके, जैसा कि हमें कहा है कि हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रिपल हो गई है, तो हमने कहा कि हमारा जो नेक्स्ट लैम्डा डैश होगा वो कितना होगा, एच अपॉन अंडर रूट 2ME, और ये हो गई है ट्रिपल, मान लो हो गई है 3E, पहले से ट्रिपल. तो अगर मैं इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा लैम्डा डिवाइड बाई लैम्डा डैश इक्वल टू रूट थ्री. जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, रूट थ्री. तो लैम्डा डैश हमारा जो होगा वो होगा लैम्डा बाई रूट थ्री. ठीक है, तो इसका मतलब है ये 1/√3 जो गुणांक है, फैक्टर है, उससे परिवर्तित हो जाएगी. ठीक है, आसान क्वेश्चन था, आइए आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 45.5 वोल्ट, द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट इन मीटर पर सेकेंड. तो इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सेलरेट किया है और उससे हमें काइनेटिक एनर्जी मिली है. ठीक है, तो जैसा कि हमें दिया हुआ है ई वी इसके बराबर होता है 1/2 mv². जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने क्रिएट किया वो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया. तो यहाँ से हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ वी, तो ये हो जाएगा v² = 2 eV, और नीचे आ जाएगा हमारे पास में m, और इसका हम अंडर रूट लगा देते हैं, ये स्क्वायर हम हटा देते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹. ये जो पोटेंशियल है हमारे पास, ये हमारे पास वेलोसिटी है, और ये v जो है पोटेंशियल के लिए, दैट इज 45.5, ओके, डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाया 9.1 × 10⁻³¹, एंड व्हेन विल यू सॉल्व इट, यू विल गेट 4 × 10⁶ m/s. ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा, 10⁶ वैल्यू जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी. ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं. अगर यह हुआ है, यदि इफ अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन मूव विद द सेम मोमेंटम देन देयर रेस्पेक्टिव डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा अल्फा, लैम्डा पी, लैम्डा ई, ये लैम्डा अल्फा इज रिलेटेड टू अल्फा पार्टिकल, ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन, तो हमें ये बताना है कि ये आपस में किस तरीके से रिलेटेड होंगी. सेम मोमेंटम हमारे को दिया हुआ है, सेम संवेग दिया हुआ है. ठीक है, सेम संवेग दिया हुआ है. तो हम जानते हैं कि लैम्डा बराबर क्या होता है, h बाय पी. लैम्डा बराबर क्या होता है, h बाय पी. तो h बाय पी का मतलब हमारे पास में हो गया बच्चों कि तीनों के अगर मोमेंटम सेम है, तो h तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, तीनों के अगर मोमेंटम सेम है इसका मतलब लैम्डा भी तीनों के लिए क्या होगा, सेम. तो हमारे पास ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये एज ए करेक्ट सोल्यूशन आंसर आ जाएगा. ठीक है, आगे चलते हैं. फोर्थ, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v हैज डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा. तो हमें इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो दे रखा है m, और एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है v. एक्सेलरेशन हमें, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ है v, और इसकी जो वेवलेंथ है वो हमें दी हुई है लैम्डा. ठीक है, ओके. द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट विद ए प्रोटोन ऑफ मास m एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस. तो हमें इसमें भी सेम v पोटेंशियल डिफरेंस को क्या किया है, उसी से हमने इसको प्रोटॉन को भी एक्सेलरेट किया है. तो हमें ये बताना है कि इनमें से जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है जो प्रोटॉन से रिलेटेड होगी वो कितनी होगी. ओके, इलेक्ट्रॉन की हमें दी हुई है, तो क्योंकि हमने सेम एक्सेलरेशन, सेम वोल्टेज से इन दोनों को एक्सेलरेट किया है, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो किसके बराबर होता है, के बराबर होता है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, के बराबर होता है. के मतलब काइनेटिक एनर्जी. अब देखिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बराबर, और जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया है पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम क्रिएट किया है,
मतलब दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। दोनों की काइनेटिक एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉन के लिए पी वन स्क्वायर डिवाइड बाई, जैसा कि मैं दिया हुआ इसका मास कितना है, एम, 2m, ठीक है। इसका मोमेंटम मान लिया हमने इलेक्ट्रॉन का पी वन, ये किसके बराबर होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m होती है, ये किसके बराबर होगा, प्रोटॉन के लिए मोमेंटम डिवाइड बाई प्रोटॉन का यहाँ पर हमने मास रख दिया कैपिटल M, जैसा कि हमें दिया हुआ है। हम जानते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए जो मोमेंटम होता है वो होता है एच बाई लेमडा, तो हमने कहा इसको मैं लिख सकता हूँ एच स्क्वायर बाय लेमडा स्क्वायर, ये लेमडा किसके है, इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो एच बाई लेमडा हमने रख दिया पी वन की जगह, ठीक है, इंटू एम फॉर इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास में कितना आ गया, एच स्क्वायर डिवाइड बाई टू। अब की बार हमें निकालनी है प्रोटॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो मैं इसको लिख देता हूँ लेमडा डैश, और इसका जो मास है वो है कैपिटल एम, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो हमें जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है लेमडा स्क्वायर स्मॉल एम बराबर लेमडा डैश कैपिटल एम। तो लेमडा डैश बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर, ये भी ऑफ कोर्स स्क्वायर होगा क्योंकि पी एच बाई लेमडा होगा, ठीक है। तो लेमडा डैश स्क्वायर ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एम, तो लेमडा डैश किसके बराबर आ गया, लेमडा एम बाई एम, और इनका हमारे पास में देखें तो अंडर रूट। तो लेमडा डैश बराबर लेमडा स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, तो ये हमारा जो सेकंड ऑप्शन है बच्चों, ये इससे एकदम एग्जैक्ट मैच करता है, तो सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। चले आगे, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल ऑफ सेम एनर्जी, समान ऊर्जा वाले प्रोटॉन और अल्फा कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा। तो जैसा कि मैं दिया हुआ है कि दोनों की जो तरंग दैर्ध्य ऊर्जाएं जो हैं वो बिल्कुल समान है, और हमें इनकी तरंग दैर्ध्यों का अनुपात निकालना है। तो जैसा कि हमें दिया हुआ है ये ई वन किसके बराबर है, ई टू के बराबर है, ओके। अब जो तरंग दैर्ध्य की हमारे पास में बात आएगी उसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की हमारे पास बात आ रही है, तो हम जानते हैं कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य जो होती है हमारे पास में वो होती है एच अपॉन अंडर रूट टू एम ई, ठीक है। लेमडा बराबर क्या होता है, अंडर रूट टू एच, लेमडा बराबर क्या होता है, एच अपॉन अंडर रूट टू एम ई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर ये हमारे पास E1 और E2 सेम है, तो मैं कह सकता हूँ अगर मैं इनका अनुपात लेता हूँ तो अनुपात कितना हो जाएगा, लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2, हमारे पास अनुपात लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2 कितना हो जाएगा, अनुपात हमारे पास में हो जाएगा क्योंकि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस वजह से हम लिख सकते हैं कि नीचे तो हमारे पास में आ जाएगा अंडर रूट एम ई, तो पहले हमारे को किसका प्रोटोन के लिए देखना है, नीचे हमारे पास में आ जाएगा एम पी, और ऊर्जा तो क्योंकि समान है दोनों की मैंने मान ली है ई, ठीक है। और दूसरा हमारे पास में है अल्फा पार्टिकल, तो उसके लिए अल्फा पार्टिकल के लिए मैं ऊपर ले लेता हूँ, तो इसके लिए आ जाएगा क्योंकि प्रोटॉन का 4 गुना मास जो है वो अल्फा पार्टिकल में होता है, 4 MP, ऊर्जा दोनों की बराबर है, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 2:1, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे चलते हैं, तो छठा क्वेश्चन है बच्चों, यदि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक फोटोन समान तरंग दैर्ध्य की तरंग दैर्ध्य के रूप में संचरित होते हैं, तो इसका अर्थ है, तो जैसा मैं दिया हुआ है बच्चों की इनकी जो तरंग दैर्ध्य हैं वो समान है, तो अगर तरंग दैर्ध्य मान लीजिए इनकी समान है, तो हम ये कह सकते हैं कि लेमडा बराबर होता है एच अपॉन पी, और क्योंकि लेमडा 1 बराबर लेमडा 2 है, और ये जो होता है वो नियत होता है, तो इसका मतलब है कि
जो हमारे पास में p होगा वो भी आपस में बराबर होगा, यानी इनके जो संवेग हैं, मोमेंटम्स जो हैं, वो इनके क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। द वेवलेंथ l lambda e ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड lambda p ऑफ अ फोटोन ऑफ सेम एनर्जी e आर रिलेटेड बाय। तो जैसा कि हमें दे रखा है, lambda e इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ है और lambda p फोटोन के लिए वेवलेंथ है हमारे पास में। तो हम जानते हैं कि lambda e को हम लिख सकते हैं h बाय p, p को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 m e। ठीक है, और जैसा कि हमारे को दे रखा है कि इनकी जो एनर्जी है वो सेम है, तो फोटोन की जो एनर्जी होगी हमारे पास में बच्चों, वो क्या हो जाएगी, लैम्डा ई बराबर एच अपॉन अंडर रूट टू एम ई। और फोटोन के लिए हमारे पास में जो एनर्जी होगी बच्चों, वो कितनी हो जाएगी, एच सी ओवर लैम्डा पी। ठीक है, एच सी ओवर लैम्डा पी। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि लैम्डा ई जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया लैम्डा पी के अंडर रूट के, इसका मतलब लैम्डा ई स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो गया लैम्डा पी के। तो यहाँ से हमारे पास में जो ऑप्शन आता है बच्चों, वो ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाता है कि लैम्डा पी विल बी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पी। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास वेलोसिटी मोमेंटम चार्ज। तो हम जानते हैं कि बाकी सब पे डिपेंड करती है, खाली एक चार्ज पर ये डिपेंड नहीं करती है। आगे चलते हैं। यदि किसी कण की गतिज ऊर्जा पूर्व मान की 16 गुना करती जाए, तब उसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज टू 16 टाइम्स। तो हम जानते हैं कि लैम्डा जो है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/√ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब हमें कहा है कि इसको हमने काइनेटिक एनर्जी को 16 गुना कर दिया है, तो लैम्डा डैश विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/√ ऑफ 16 के। ठीक है ना, तो अगर मैं इन दोनों का अनुपात लेता हूँ लैम्डा बाय लैम्डा डैश, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4। ठीक है, अब मेरे को निकालना है इसके अंदर प्रतिशत परिवर्तन कितना है। तो मैं इसको पहले तो उल्टा कर लेता हूँ, लैम्डा डैश बाई लैम्डा, ये हो जाएगा 1/4। तो प्रतिशत परिवर्तन के लिए मैंने इधर भी एक और इधर भी एक से माइनस कर दिया, तो ये मेरे पास ऊपर आ गया लैम्डा माइनस लैम्डा डैश बटे लैम्डा, और यहाँ पर हमारे पास में आ गया 4 - 1 = 3/4। अगर मैं यहाँ दोनों तरफ 100 से गुणा कर देता हूँ, तो देखो ये मुझे क्या मिल रहा है, तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन भाग आरंभिक तरंग दैर्ध्य, यानी ये मेरे को मिल रहा है प्रतिशत परिवर्तन, और ये कितना आ गया हमारे पास में 75%। तो हमसे यही पूछा था कि प्रतिशत परिवर्तन जो है कितना होगा, तो 75% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू यूनिट आई कैप एंड इज इन अ मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू b नॉट जे कैप। तो जैसा कि हम देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जो हमारे पास में v और b हैं, वो एक आई कैप में और एक जे कैप में, यानी एक दूसरे के लंबवत है। ये अगर एक दूसरे के ऊपर लंबवत है बच्चों, तो जो बल लगेगा वो हम जानते हैं v क्रॉस b दिशा के अंदर बल लगता है, फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b। और क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो जो भी हमारे पास में साइन कन्वेंशन आता है, तो उसका उल्टा ले लेते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं एक आई और एक जे है, तो v क्रॉस b जो भी आएगा हमारे पास में, वो पक्की बात है k कैप डायरेक्शन के अंदर आएगा। कौन सी दिशा में आएगा, k कैप, और इलेक्ट्रॉन है तो माइनस k कैप कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बात यह है कि इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है वो चल रहा है i कैप दिशा में, और इसके ऊपर जो बल लग रहा है वो लग रहा है k कैप दिशा के अंदर, या माइनस k कैप दिशा के अंदर कह सकते हैं। तो अगर मान लीजिए वेग की लंबवत दिशा के अंदर बल लग रहा है, तो इसका मतलब है वो वेग के परिमाण को प्रभावित नहीं करेगा, यानी उसकी जो चाल है इलेक्ट्रॉन की वो नियत रहेगी, केवल दिशा में परिवर्तन करेगा। तो इसका मतलब है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य बराबर होती है हमारे पास में एच बाई एम वी, ये दोनों नियत है। और क्योंकि बल जो है वो वेग के परिमाण को प्रभावित नहीं कर पा रहा है, इस वजह से ये जो हमारे पास चाल है, परिमाण जो है
वो भी नियत रहेगा, यानी हमारे पास जो ये लैम्डा है वो भी क्या रहेगी, नियत रहेगी, यानी हमारे पास रिमेन कांस्टेंट जो है वो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। चले आगे आगे बढ़ते हैं बच्चों। व्हेन द मोमेंटम ऑफ ए प्रोटॉन इज चेंज्ड बाय एन अमाउंट पी नॉट द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज फाउंड टू बी 0.25%। देन द ओरिजिनल मोमेंटम ऑफ द प्रोटॉन वॉज, यदि प्रोटॉन का संवेग पी नॉट से परिवर्तित हो तब संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य में 0.25% परिवर्तन होता है, तो प्रोटॉन का प्रारंभिक संवेग हमसे पूछा है। तो बच्चों अगर हम ध्यान से थोड़ा सा लैंग्वेज की तरफ ध्यान दें तो हमें दिया हुआ है मोमेंटम ऑफ ए प्रोटॉन इज चेंज्ड बाय एन अमाउंट, यानी ये मुझे दिया हुआ है चेंज, ये दिया हुआ है पी नॉट, ये हमें संवेग में परिवर्तन पी नॉट दिया हुआ है। द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज फाउंड टू बी 0.25%। तो अब हम जानते हैं कि पी और लैम्डा कैसे एक दूसरे के साथ में रिलेटेड होते हैं, कि लैम्डा जो होता है वो संवेग के समानुपाती होता है। तो अगर मैं एरर मेथड लगाता हूँ तो डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इंटू 100 बराबर होगा डेल्टा पी बाय पी इंटू 100। ये मैं इसलिए लगा पा रहा हूँ क्योंकि जो परसेंटेज चेंज है वेवलेंथ में इट इज़ लेस देन 5%। तो जैसा कि हमें दिया हुआ है कि ये वाली जो वैल्यू है वो है 0.25, डेल्टा पी हमारे को दे रखा है पी नॉट बाय पी इंटू 100। ठीक है, तो हमें बताना है कि द ओरिजिनल मोमेंटम ऑफ द फोटोन वॉस, यानी पी की वैल्यू बतानी है। पी बराबर हो जाएगा 100/0.25। पच्चीसों का 100 तो ये हो जाएगा 400 पी नॉट। तो हमारे पास इसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, अ पार्टिकल ऑफ मास एम एट रेस्ट डिकेज इनटू टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 हैविंग नॉन जीरो वेलोसिटीज। तो हमें बताना है द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल्स लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों एक स्थिर कण था और स्वतः ही आंतरिक कारणों के कारण वो क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया, या यूँ कह सकते हैं डिके हो गया। तो इसका मतलब है कि कोई बाह्य बल उस पर कार्यरत नहीं कर रहा है। बाह्य बल अगर कार्यरत नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि उसका जो संवेग है वो संरक्षित रहेगा, यानी जो भी दोनों टुकड़े गए होंगे उनके संवेग आपस में बराबर होंगे, क्योंकि आरंभ में संवेग कितना था, शून्य। तो जो भी दो उसके भाग हुए हैं m1 और m2 उनके संवेग क्या रहेंगे, नियत रहेंगे। तो हम जानते हैं कि अगर ऐसा होगा तो P1 किसके बराबर होगा, P2 के, इनके संवेग आपस में बराबर होंगे। और हम जानते हैं कि P किसके समानुपाती होता है, 1/λ के, यानी इनकी तरंग दैर्ध्य भी आपस में क्या होंगी बच्चों, बराबर होंगी। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य बराबर होंगी, यानी इनका जो अनुपात है बच्चों वो क्या रहेगा, 1। करेक्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक कण को h ऊंचाई से छोड़ा जाता है, कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ऊंचाई के फलन के रूप में समानुपाती होगी। तो अगर मैंने किसी कण को h ऊंचाई से छोड़ दिया तो जैसा कि हमें बता रखा है इसकी हमें तरंग दैर्ध्य बतानी है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य किस प्रकार से परिवर्तित हो रही है। तो हम जानते हैं कि v जो होता है बच्चों वो होता है √2gh, और l लैम्डा जो होता है हमारे पास में किसी भी कण के लिए वो होता है h/mv। तो लैम्डा विल बी इक्वल टू h/m और इसको मैंने रख दिया √2gh। बाकी सभी जो क्वांटिटीज़ हैं वो क्या है, कांस्टेंट है, ये इसको √2gh लिख देता हूँ मैं क्योंकि कैपिटल H दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लैम्डा जो है वो h की घात -1/2 के समानुपाती आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन हो जाएगा 4th। करेक्ट, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विद एन इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू v नॉट आई कैप, ये इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ e इज इक्वल टू e नॉट माइनस आई कैप। ओके, इफ लैम्डा नॉट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ इनिशियली इट्स वेवलेंथ आफ्टर टी टाइम। तो देखिए बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंट्री करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है e नॉट आई कैप डायरेक्शन के अंदर। तो पहली बात तो इसके ऊपर जो बल लगेगा वो कौन सी दिशा में लगेगा, ई ई
ठीक है ना, ई ई ये बल इसके ऊपर कार्यरत होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि हमें दे रखा है कि ई कितना है, माइनस ई ई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ई, और ई की जो दिशा है बच्चों वो क्या है, माइनस ई नॉट आई कैप। तो ई ई नॉट ये जो है आई कैप दिशा के अंदर हमारे को एफ की वैल्यू मिल जाएगी, जो इसको क्या करेगा, त्वरित। तो इसका जो त्वरण होगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, ई ई नॉट बाय एम, कौन सी दिशा में आ जाएगा, आई कैप दिशा में आ जाएगा। ओके, आई कैप दिशा में क्या आ जाएगा, इसका त्वरण आ जाएगा। अब जैसा कि हमें कहा कि शुरुआत में जो इसका वेग है वो है वी नॉट आई कैप दिशा के अंदर, तो टी समय बाद इसका वेग कितना होगा, तो टी समय बाद बच्चों हमारे पास इसका जो वेग होगा वो होगा वी नॉट प्लस ए टी। अभी तीनों ही आई कैप दिशा के अंदर है, ये मतलब वी नॉट जो है वो भी आई कैप दिशा के अंदर है, ए भी आई कैप दिशा के अंदर है, तो ये सब हम अगर परिमाण रूप में लिखना चाहें तो हमारा टी समय बाद वेग आ जाएगा वो आ जाएगा वी नॉट इनटू टी। अब आते हैं इनकी तरंग दैर्ध्य पर, तो जैसा कि हमें कहा गया है लैम्डा नॉट जो है वो तरंग दैर्ध्य कब है, शुरुआत में, यानी लैम्डा ये बराबर है एच अपॉन एम, और इसका परिमाण कितना है वी नॉट, और टी समय बाद तरंग दैर्ध्य कितनी हो जाएगी, तो लैम्डा डैश बराबर एच अपॉन और एम वी, तो एम वी की जगह हमने रख दिया बच्चों ये, ओके, इसमें से वी नॉट कॉमन निकाल लिया हमने, तो बचा क्या, वन प्लस ई ई बाय एम वी नॉट इन टू टी, और एच अपॉन एम वी नॉट की जगह मैं पुट कर सकता हूँ लैम्डा नॉट। तो ये हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन बनेगा। तो फाइनल सॉल्यूशन अगर हम देखें तो हमें फर्स्ट ऑप्शन के रूप में मिल जाता है लैम्डा नॉट अपॉन वन प्लस ई ई बाई एम इन टू टी बाई वी नॉट, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास सवाल नंबर 15, निम्न में से कौन सा ग्राफ किसी कण के संवेग में परिवर्तन और इससे संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए उपयुक्त है। तो हम जानते हैं ये आपस में इस प्रकार से संबंधित होते हैं, तो ये जो चौथा ग्राफ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये हमें इसका करेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है तथा डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा के मध्य लॉग लॉग ग्राफ निम्न में से कौन सा होगा, तो लॉग ग्राफ हमें बनाना है लैम्डा और ई के बीच में, तो इनके बीच में पहले हम संबंध देख लेते हैं। जो ई होता है बच्चों हमारे पास में वो होता है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, और इसके बीच में जो संबंध होता है हमारे पास में होता है अंडर रूट, ये होता है एच सी बटे लैम्डा। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लूं तो ये बचेगा लॉग एच सी माइनस लॉग लैम्डा, क्योंकि लॉग एम बटे है ना, तो लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाएगा। अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि इस लॉग लैम्डा को मैं इस तरह ले आता हूं, और ये जो लॉग ई है ये हमारे पास हो जाएगा माइनस लॉग ई, और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस लॉग एच सी। हमने क्या किया, इस लॉग लैम्डा को तो इधर ले आए और लॉग ई को इधर ले गए, तो लॉग ई इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा और इधर बचा लॉग एच सी। अब देखो ये जो है वो वाई एक्सिस है, लॉग ई जो है वो है एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, और ये log एच सी ये y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है, इसको मैं एक नियत राशि c से निरूपित कर रहा हूँ।
अब आप देखिए इससे हमें कौन सा ग्राफ मिलेगा, तो सी जो होता है हमारे पास में यानी एक नियतांक वो होता है वाई एक्स पर काटा गया अंतःखंड, और ये एक ऋणात्मक स्लोप क्योंकि वाई बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी के अंदर एम होता है हमारे पास स्लोप, तो ये माइनस के अंदर है, माइनस के अंदर है मतलब है अधिक कोण बनाती हुई। तो ऐसा कौन सा हमें को ग्राफ दिखाई दे रहा है जिसमें वाई एक्स पर काटा गया अंतःखंड पॉजिटिव हो और स्लोप क्या हो नेगेटिव। तो हम देख सकते हैं ये अंतःखंड जो है वो पॉजिटिव है और ये स्लोप क्या है ये नेगेटिव है, तो ये जो थर्ड ऑप्शन है बच्चों ये हमारा करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट, इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इज नियर बाय। तो हम जानते हैं बच्चों कि हमारे पास में जो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो इस तरीके से इस फॉर्मूले से अगर इलेक्ट्रॉन हमें दिया हुआ है तो हम निकाल सकते हैं एमस्ट्रॉन्ग में हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है फॉर इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि हमें दिया हुआ है लैम्डा बराबर 12.27 और अंदर मैं रख दूंगा 10,000, तो यहाँ से मेरे पास निकल के जो आएगा वो आएगा 12.27 बटे 100 और एमस्ट्रॉन्ग को क्योंकि मीटर में आंसर दे रखे हैं तो मैंने मीटर में चेंज कर दिया, तो ये चला जाएगा 10 की पावर माइनस 12, तो 12.27 × 10 की पावर माइनस 12 ये मीटर में हमें तीसरे ऑप्शन के रूप में मिल जाएगा। ठीक है चले आगे, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। फोटोन का संवेग दिया हुआ है हमारे को 3.3 × 10 की पावर माइनस 29 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो इसकी आवृत्ति जो है वो कितनी होगी। तो जैसा कि हमें दिया हुआ है बच्चों पी जो है वो हमें दिया हुआ है 3.3 × 10 की पावर माइनस 29, अब हमें निकालनी आवृत्ति। हम जानते हैं कि पी जो होता है एच बाई लैम्डा और जो न्यू होता है वो होता है सी ओवर लैम्डा, तो इसका मतलब है लैम्डा के बराबर हो गया सी बाई न्यू, सी बाई न्यू यहाँ से न्यू की वैल्यू हो गई पी सी बाई एच, तो मोमेंटम हमें दे रखा है 3.3 × 10⁻², ये होता है 3 × 10⁸ और ये हो गया हमारे पास 6.6 × 10⁻¹¹। तो इसका जो पर्टिकुलर आंसर हमारे पास बन जाएगा बच्चों वो बन जाएगा 10³ हर्ट्स, क्योंकि और कोई पावर नियर बाय हम देख सकते हैं कि −29 और ये 8 − 21, तो −13 बचेगा, 3×9 / 6 ऑर्डर रहेगा हमारा 10³, जो एक ही ऑप्शन है हमारे पास में 1.5 × 10⁻³¹ हर्ट्स। ओके आगे चलते हैं, यदि फोटोन की ऊर्जा को 4 गुना बढ़ाया जाए तो इसका संवेग क्या हो जाएगा। हम जानते हैं बच्चों E बराबर mc² होता है फोटोन के लिए हम कह सकते हैं, क्योंकि फोटोन जो है वो द्वैत प्रकृति जो है प्रदर्शित करता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ mc × c, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ p × c। तो यहाँ से जो हमारे पास ऊर्जा है वो किसके समानुपाती आ गई p की, तो इसका मतलब अगर ऊर्जा को मैं 4 गुना बढ़ाऊँ तो इसका संवेग जो है वो भी 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है चलिए 20 नंबर पे सवाल पे चलते हैं। अ फोटोन और वेवलेंथ ऑफ 6630 एमस्ट्रॉन्ग इज इंसिडेंट नॉर्मली एट अ टोटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द मोमेंटम डिलीवर्ड बाय द फोटोन इज इक्वल टू। तो सबसे पहले मोमेंटम निकालते हैं, क्योंकि जैसा कि हमें दिया हुआ है कि नॉर्मली इंसिडेंट हुआ है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, तो जो हमारा मोमेंटम होगा बच्चों यानी P इनिशियल माइनस P फाइनल ये डिलीवर्ड होगा किसको सरफेस को, और क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंट हुआ है तो अगर इसको मैं P मान रहा हूँ और इसको मैं माइनस P मान रहा हूँ तो हम कह सकते हैं कि इट विल बी P माइनस माइनस P यानी ये हो जाएगा 2P। तो पहले P निकाल देते हैं फिर उसका डबल कर देंगे, तो P बराबर होता है H बाई लैम्डा लैम्डा हमें दिया हुआ है ये
ये रह जाएगा 10 की पावर माइनस 24, और 10 की पावर माइनस 24, और अगर मैं यहाँ पॉइंट लगाता हूँ तो 3 पावर और मैं यहाँ पर बढ़ा दूंगा 10 की पावर, ये बन जाएगा -27, बाकी कैंसिल हो जाएगा तो 10 की पावर माइनस 27 आ जाता है। ये तो आया संवेग, लेकिन जैसे हमें कहा कि फोटोन कितना प्रदान करेगा तो वो 2p प्रदान करेगा, तो मुझे फाइनल आंसर जो मिलेगा डेल्टा पी यानी 2p, वो मिलेगा 2 × 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 × 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो आगे चलते हैं बच्चों। एक स्रोत S1 10 की पावर 15 फोटोन प्रति सेकेंड उत्पन्न कर रहा है, जिनकी तरंग दैर्ध्य 5000 एमस्ट्रॉन्ग है। तो स्रोत S1 के लिए जैसा कि हमें दिया हुआ है, n/t की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 10 की पावर 15, और तरंग दैर्ध्य भी हमारे को दे रखी है S1 के लिए 5000। अब आते हैं S2 पर। S2 पर हमें दे रखा है कि इतने फोटोन प्रति सेकंड उत्पन्न किए जा रहे हैं, यानी n/t, ये सेकंड वाले के लिए, ये फर्स्ट वाले के लिए था, फर्स्ट सोर्स के लिए वो है 1.02 × 10 की पावर 15, और जो λ2 है बच्चों, λ2 हमारे पास में है 5100 एमस्ट्रॉन्ग। अब हमें बताना है शक्ति। शक्ति हमारे पास हम जानते हैं क्या होती है, NH न्यू, ये तो क्या हो गई ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा H न्यू, तो N फोटोनों की ऊर्जा NH न्यू, N फोटोनों की ऊर्जा NH न्यू, और इसको मैं अगर T से भाग कर देता हूँ बच्चों तो मेरे को मिल जाता है शक्ति। तो मुझे उल्टा बताना है, S2 की शक्ति बटे S1 की शक्ति, तो इसका मतलब है P2/P1 बता रहा है मुझे। तो ये लिख देंगे n/T2H न्यू, एच न्यू, या इसको मैं लिख सकता हूँ C/λ। तो जैसा कि हम इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, ये P जो है वो किस किस पर निर्भर करता है, एक तो n/T पर, और इस न्यू को अगर मैं C/λ लिख दूं तो ये P किसके, इसके व्युत्क्रमानुपाती भी है 1/λ के। तो मैं लिख दूंगा P2 को λ2/n/T1/λ1। तो यहाँ तो बन गया λ1/λ2, λ1 मतलब 5000/5100, और यहाँ बन गया 2/1, 2/1 का मतलब 1.02 10 की पावर 15 और बटा ये हमारे को देखें 10 की पावर 15, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इसको अगर मैं हटाऊंगा बच्चों तो मैं यहाँ लगाऊंगा 10 की पावर 2, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी हमारे पास में, तो 51 × 102 और 50 × 100, तो 2/2 बचेगा यानी 1 बच जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर क्या बन जाएगा बच्चों 1.00, करेक्ट। चलें आगे। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। वेवलेंथ ऑफ 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन इज 1.24 × 10⁻¹⁹ मीटर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन। तो जैसा कि हम देखते हैं बच्चों कि हमें वेवलेंथ जो है वो दी हुई है और हमें एनर्जी दी हुई है, तो ई समानुपाती होता है HC/λ, यानी इस तरीके से ये इसके साथ रिलेटेड होगा, और 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है 10³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमारे पास लेमडा कितना है 1.24 × 10⁻¹⁹, और जब 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 10⁶ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम ऊर्जा देते हैं तो कितनी वेवलेंथ आएगी, तो इसका भाग दे दिया हमने तो बचा 1/10³ = λ/
7.24 गुणा 10 की पावर माइनस 9, तो लैम्डा हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 1.24 गुणा 10 की पावर माइनस 12। अब हमें निकालनी है आवृत्ति, तो न्यू बराबर सी बटे लैम्डा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1.24 गुणा 10 की पावर माइनस 12। इसको ऊपर लेके जाएंगे हम तो ये हो जाएगा 10 की पावर 20, यानी हमारे पास में आंसर आ जाएगा 2.4 × 10^20, क्योंकि ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर 20 हो जाएगा, एक ही आंसर है 10 की पावर 20 में। ओके आगे चलते हैं। 450 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य की फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, तो हम जानते हैं जो ऊर्जा होती है हमारे पास होती है 12420 बटे, इसको हम एमस्ट्रॉन्ग में लें तो हो जाएगा ये 4500, और ये होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं कन्वर्ट करूं जूल में तो हमारे पास हो जाएगा ये, ठीक है। तो 12420 बटे 4500, अगर मैं इसको देखूं बच्चों तो ये पूरा सॉल्व करके हमारे पास में आ जाता है 4.4 × 10^-19, ठीक है, जूल में। हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इफ ए फोटोन हैज वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी सी एंड न्यू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इट्स वेवलेंथ, तो हम जानते हैं ई बराबर एच सी बटे लैम्डा होता है, और लैम्डा जो है हमारे पास में ये आ जाएगा एच सी बटा ई। ओके एच सी बटा ई, तो ये हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, करेक्ट। आगे चले, लाइट हुज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 6 × 10^14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल हुज वर्क फंक्शन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोनमीटर, तो हम जानते हैं आइंस्टीन इक्वेशन जो होती है उसके हिसाब से एच न्यू किसके बराबर होगा, वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स, एच बराबर यानी 6.6 × 10^-34, और ये हो गया हमारे पास 6 × 10^14, और ये जो वैल्यू बच्चों हमारे पास में आएगी वो वैल्यू आएगी हमारे पास में जूल में, तो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सब चीज़ चाहिए, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 1.6 × 10^-19 से, अब जो वैल्यू आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, और यहाँ से जो वैल्यू हमारे को मिली वो मिली 2 + kmax, तो ये वैल्यू जब हम सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये आती है 2.49, ये 2 इधर आ जाएगा बराबर kmax, तो ये बच जाएगा हमारे पास 0.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चले आगे, एक धातु का कार्य फलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी दहली तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, तो हम जानते हैं कि जो फाई होता है वो होता है एच सी बाय लैम्डा, या हम लिख सकते हैं इस ऊर्जा को 12000, लैम्डा की अगर हम बात करें तो लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर 12420 बटे ऊर्जा जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 4.2, ये एमस्ट्रॉन्ग में आ जाएगा, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 2955, ठीक है। तो आगे चले, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल्स ऑन एन एल्यूमिनियम सरफेस जिसका वर्क फंक्शन है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इज अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो जैसा कि हमें दे रखा है ये 6.2, तो हमें दे रखा है ई
ये दे रखा है 4.2 ये तो मिला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है बच्चों ये करेक्ट आ जाएगा। ओके, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए किसी निश्चित धातु के लिए दहलिए आवृत्ति है न्यू, यदि 2 न्यू आवृत्ति के धातु पर गिरती है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग कितना होगा। तो मैं डायरेक्ट अगर मैं आइंस्टीन इक्वेशन वापस यूज करूं, जैसा कि हमें दे रखा है 5 + 1/2 mv max² या आइंस्टीन इक्वेशन हो गई जैसा हमें दिया हुआ है, 2 न्यू आवृत्ति हमारे पास गिर रही है तो इसका मतलब ये हमारे पास ऊर्जा हो गई, कार्य फलन दिल्ली आवृत्ति न्यू है तो एच न्यू, इसको इधर ले जाइए तो ये बच गया एच न्यू। एच न्यू बराबर किसके हो गया, 1/2 mv max². ओके, तो वी मैक्स स्क्वायर किसके बराबर हो गया, वी मैक्स किसके बराबर हो गया, वी मैक्स हमारे पास बराबर हो गया 2h(n)/m, और क्योंकि स्क्वायर लगाया तो मैं एक अंडर रूट भी लगा दूंगा तो 2h(n)/m। तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन जो है बच्चों इसका करेक्ट सोल्यूशन हो गया। ठीक है, चले आगे। एक धातु जिसका कार्यफलन डब्ल्यू नॉट है कि दहलिए तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट है, तो जब कार्यफलन आधा हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा। तो देखिए हम जानते हैं कि जो कार्यफलन हमारे पास में होता है वो एच सी ओवर लैम्डा यानी लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो अगर मैं कार्यफलन को आधा कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये जो है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी बच्चों। तो अगर ये लैम्डा नॉट थी तो अब 2 लैम्डा नॉट हो जाएगी, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक 5000 एमस्ट्रॉन्ग तरंग दैर्ध्य का प्रकाश एक प्रकाश संवेदी परत जिसका कार्यफलन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर गिरता है तो उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी। वापस आइंस्टीन इक्वेशन लगाते हैं, E = 5 + k max, जैसा कि हमें दे रखा है ये 12420/5000 यूज़ कर लेता हूँ ताकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर हमारे पास ऊर्जा आ जाए। फाई हमें दे ही रखा है 1.9 + k max। ओके, तो के मैक्स की वैल्यू हमारे पास में जो आ जाएगी वो आ जाएगी 12420/5000, 6.9, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चले आगे। तो दिया हुआ है जब एक 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन किसी सतह पर गिराया जाता है तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अधिकतम ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन सतह से उत्सर्जित होता है, निरोधी विभव क्या होता है। हम जानते हैं निरोधी विभव होता है जो अधिकतम वह उल्टी दिशा के अंदर रिवर्स पोलैरिटी में लगाया गया विभवांतर जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन को जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं उसको भी रोक पाए। तो 1/2 mv² या 1/2 mv max² ये बराबर होता है ev के, या ev नॉट कह सकते हैं। तो हमें क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इस इलेक्ट्रॉन की गति जुड़ जाए और मुझे निकालना है निरोधी विभव, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड वी गेट द आंसर एज 4 वोल्ट। करेक्ट, जब किसी सतह पर पीला प्रकाश गिराया जाता है तो कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता, किंतु जब हरा प्रकाश गिराया जाता है तब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, तो लाल रंग के प्रकाश के साथ क्या केस होगा। हम जानते हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवाना है तो कम से कम कार्यफलन के बराबर ऊर्जा उस सतह के ऊपर क्या करवानी पड़ेगी, गिरानी पड़ेगी। और हम जानते हैं ये जो ऊर्जा होती है वो होती है hc/λ, यानी लैम्डा जितना कम ऊर्जा उतनी ज़्यादा। अब हम चलते हैं विबग्योर पर। तो हमें जैसा कि कहा हुआ है कि पीला प्रकाश जब हमने गिराया, हमारी जो तरंग दैर्ध्य है वो किस दिशा में आगे बढ़ रही है, इस दिशा में। तो हमें कह रहे हैं जब पीला प्रकाश गिराया तो कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हुआ, लेकिन जब हरा प्रकाश गिराया तो
इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, यानी जैसे ही हमने तरंग दैर्ध्य कम की, ऊर्जा बढ़ गई, ऊर्जा हमारी क्या हो गई, बढ़ गई और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गया। इसका मतलब है जब मैं इस दिशा के अंदर बढ़ूंगा तो इन सभी रंगों के लिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो वेवलेंथ है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, ऊर्जा बढ़ रही है। और जब मैं यहाँ पर चलूंगा, इस दिशा में चलूंगा, तो वेवलेंथ है वो बढ़ रही है, इसका मतलब ऊर्जा क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी जब इसी येलो पर ही अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया, तो उससे भी कम ऊर्जा पर तो बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता, नो इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड, करेक्ट। आगे चले, एक एच न्यू ऊर्जा का फोटोन किसी एल्यूमिनियम की सतह पर गिराया जाता है, इसका कार्य फलन है ई नॉट, तो इसको हम लिख देते हैं एच न्यू बराबर ई नॉट प्लस के मैक्स, तो हम के मैक्स को के लिख देते हैं जैसा कि हमें दिया हुआ है। यदि विकिरण की आवृत्ति को अगर हम दुगना कर दें तो ये 2h न्यू बन गया, तो उत्सर्जित जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर जैसा कि हमें दे रखा है के एच न्यू, इनके अंदर हमारे को जो है आंसर देने, अगर मैं इसमें से ये घटा दूंगा तो मेरे को मिलेगा यहाँ पर एच न्यू, ये हमारा ख़त्म हो जाएगा और इधर मिलेगा के डैश माइनस के, तो के डैश बच्चों कितना मिलेगा, के प्लस एच न्यू। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सेकंड ऑप्शन है हमारा वो इसके मैच कर जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब उनसे पूछा व्हेन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज डिक्रीज्ड, तो वेवलेंथ अगर हम डिक्रीज करेंगे बच्चों तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी एच सी ओवर लैम्डा, और अगर एनर्जी हमारे पास बढ़ेगी तो हम जानते हैं कि जितनी ये एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनका वेग होगा। तो इसका मतलब हम कहेंगे अगर एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीजेस, करेक्ट। यदि किसी आपतित फोटोन की ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और धातु का कार्य फलन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो निरोधी विभव क्या होगा, तो E बराबर 5 प्लस ई वी नॉट, ये आइंस्टीन इक्वेशन लगा सकते हैं हम, ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया है और तो यहाँ से E सारे कैंसिल हो गए, ये इधर जाएगा तो बचेगा 2 वोल्ट, तो इसका मतलब है हमारे पास 2 वोल्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सोडियम और तांबे के कार्यफलन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इनकी दैनिक तरंगों का अनुपात लगभग होगा, तो जैसा कि हम जानते हैं फाई समानुपाती होता है 1/ लैम्डा के, तो 1/2 ये हमारे पास होगा इस लैम्डा का उल्टा, यानी 4.5/2.3, और क्योंकि हमसे लगभग पूछा है, क्योंकि हमसे लगभग पूछा है इस कारण से ये लगभग आ जाएगा हमारे पास 2:1, यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। एक प्रकाश संवेदी धातु सतह को लैम्डा तथा लैम्डा बाई 2 तरंग दैर्ध्यों के एक वर्णी प्रकाशों के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो एक प्रकाश संवेदी धातु की सतह उसको हम दो अलग अलग एक जैसे प्रकाशों से एक वर्णी प्रकाशों से, एक वर्णी प्रकाश का मतलब है एक ही रंग के प्रकाश से उसको प्रकाशित कर रहे हैं, यानी एक बार लैम्डा तरंग दैर्ध्य के प्रकाश से प्रकाशित कर रहे हैं और एक बार लैम्डा बाई 2 के प्रकाश से प्रकाशित कर रहे हैं। यदि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा द्वितीय स्थिति में प्रथम स्थिति की तुलना में 3 गुनी है, यानी प्रथम स्थिति की तुलना की 3 गुनी है, तो कार्यफलन कितना होगा। तो देखिए आइंस्टीन समीकरण अगर हम लगाते हैं तो एच सी बटे लैम्डा जब हम लगाते हैं ये तो सेम है, तो हम कहते हैं कि हमें जो अधिकतम गतिज ऊर्जा मिलती है वो के, ठीक है, और जब हम लैम्डा बाई 2 तरंग दैर्ध्य का प्रकाश इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकाश संवेदी धातु पर,
तो जैसा कि हमें कहा है कि द्वितीय स्थिति के अंदर प्रथम स्थिति की तुलना में तीन गुना गतिज ऊर्जा मिलती है, तो यहाँ पर हमें मिलेगी तीन गुना। अगर यहाँ के है तो यहाँ पर तीन गुना मिल रही है। तो हमें बताना है धातु का कार्यफलन कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो ठीक है, इसको हम करते हैं बच्चों। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इस पूरी जो हमारी प्रथम समीकरण है इसको तीन से गुणा कर दिया। पूरी समीकरण को हमने तीन से गुणा कर दिया। तो पूरी समीकरण को जब मैं तीन से गुणा कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3HC/λ बराबर 3Φ+3K। अब हमने क्या किया, ये जो हमारे पास नई समीकरण आई है उसमें से ये वाली समीकरण घटा दी, तो मिला HC/λ, इसमें से ये घटाऊंगा तो बराबर 3Φ में से फाइव घटाऊंगा तो कितना बनेगा, 2Φ, और 3K 3K 0। तो यहाँ से फाइव की वैल्यू जो आ गई वो आ गई HC/2λ, और ये मुझे निकालना था कार्यफलन, वर्क फंक्शन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा HC/2λ, करेक्ट। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू आइडेंटिकल मेटल प्लेट शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ए फॉल्स ऑन प्लेट ए एंड लैम्डा बी ऑन प्लेट बी, एंड लैम्डा ए किसके बराबर है, 2λb के। तो दो एक समान धातु की सतह है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा ए जब सतह ए पर तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा बी, जैसा कि मैं दे भी रखा कि लैम्डा ए 2λb के बराबर है, जब गिराई जाती है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करती है, अधिकतम गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होगा। तो आइए देखते हैं। जब हम प्लेट ए लेते हैं, आइडेंटिकल प्लेट्स हैं, दोनों सेम प्लेट्स हैं, तो लैम्डा ए की तरंग दैर्ध्य गिरा रहे हैं, यानी HC/λ, ये हो गया हमारे पास ई। फाई क्योंकि समान प्लेट है तो वो मैंने सेम मान लिया, प्लस और हमारे पास में जैसा कि दे रखा है कि ये जो वैल्यू हो गई हमारे पास में वो है Ka, और दूसरी बार हमें दिया हुआ है HC/λb। जब हमने लैम्डा बी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य गिराई तो लैम्डा बी की वैल्यू बच्चों मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा ए बाई टू। तो मैं यहीं की यहीं इसको चेंज कर रहा हूँ, लैम्डा ए बाई टू, और ये गिर रहा है Kb, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस वाली समीकरण को हमने दो से गुणा किया तो क्या बन गई, 2HC/λ बराबर 2Φ+2K। दो से गुणा किया तो ये आ गई, और इस समीकरण में से इसको घटा दिया तो इधर तो बन गया जीरो, इधर बन गया Φ+2KA-KB। समझ में आ गई बात। अब हमने क्या किया, इस Kb को हम इधर लेके गए तो Kb बराबर Φ+2KA। अब हमने इस पूरी समीकरण को दो से भाग दे दिया तो हमें क्या मिला, Kb/2 बराबर Φ/2+KA। यहां से मैं क्लियरली देख सकता हूं बच्चों कि हमारा ये जो Kb/2 है वो K से इतना ज्यादा है, और फाई जो होता है वो एक नॉन नेगेटिव यानी अशून्य या अऋणात्मक धनात्मक हमारे पास में नियतांक मिलेगा हमें। यानी जाहिर सी बात है कि Kb/2 की जो अब हमने संख्या निकाली है वो Ka से तो ज़्यादा रही होगी, Ka से तो ज़्यादा रही होगी, तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, Kb/2 > Ka। तो हमारा कौन सा, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। आई डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। When a metallic surface is illuminated with the radiation of wavelength lambda, the stopping potential is V. If the same source is illuminated with radiation of wavelength lambda, 2λ, then stopping potential is V/4, the threshold wavelength for the metallic surface. तो जैसा कि हमें दिया हुआ है, पहले धातु की सतह को हम लैम्डा तरंग दैर्ध्य से प्रकाशित किया जाता है, तब निरोधी विभव कितना आता है, V, ठीक है। तो आइए हम आइंस्टीन समीकरण का इस्तेमाल करते हैं, HC/λ। जब लैम्डा से हम इसको प्रकाशित करते हैं तो हमारे पास में ये हम ले लेते हैं फाई, इसका कार्यफलन, प्लस जैसा कि मैं दिया हुआ है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ वी, सो ये हो जाएगा ई वी, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं।
दूसरा हमारे को दिया हुआ है व्हेन इट इज एल्यूमिनेटेड विद 2 लैम्डा, यानी एच सी बाय 2 लैम्डा, तो ये हो जाएगा फाई प्लस। और जैसा कि हमें दिया हुआ है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल अब हो गया है वी बाई फोर, यानी ई वी बाई फोर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं बच्चों, हमें ये ई वी गायब करना है क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो लैम्डा जो है वो चाहिए, फाई की वैल्यू चाहिए हमारे को। तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण को, इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मैं इस इक्वेशन को 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, एच सी बाय 4 लैम्डा, ये इक्वल है 5/4 प्लस ई वी बाई 4, इसको हम दे देते हैं थर्ड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 2 - 3 करते हैं, 2 - 3 दूसरी समीकरण में से पहली तीसरी समीकरण को घटा देते हैं। तो देखो, अगर मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एच सी बाई 4 लैम्डा, और फाइव में से 5/4 निकालूंगा तो मिलेगा 3 5/4, और ये टर्म यहाँ से हो जाएगी 0। ठीक है, तो यहाँ से 4 कैंसिल और 5 हमारे को क्या मिल जाएगा, एच सी बाई 3 लैम्डा। हमें निकालनी है जो, जैसे कि हमें दिया हुआ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है हमें, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो फाई की वैल्यू को हम लिख देते हैं एच सी डिवाइडेड बाय 3 लैम्डा थ्रेशोल्ड, जो हमें निकालनी है थ्रेशोल्ड। तो एच सी से एच सी गायब हो जाएगा और इसको हम हटा देते हैं 3 को, एच सी बाय लैम्डा, फाई की वैल्यू लिख दी एच सी बाय लैम्डा टी एच, तो लैम्डा टी एच की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आ रही है, 3 लैम्डा। तो लैम्डा टी एच की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 3 लैम्डा। तो हमारा फोर्थ आंसर जो है वो इसका करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा। आगे चलते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, द ग्राफ बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, गतिज ऊर्जा और आपतित विकिरण की आवृत्ति के बीच में हमसे ग्राफ पूछा है। तो ठीक है, आपतित तरंग की आवृत्ति मतलब एच न्यू बराबर फाई प्लस के मैक्स, या यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को हम इस तरीके से दिखा देते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमें दे रखा है कि हमें के मैक्स और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ चाहिए, वाई एक्सिस पे हमारे को चाहिए के मैक्स, तो के मैक्स बराबर हो जाएगा एच न्यू माइनस फाई, एच न्यू माइनस फाई। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है वो तो है वाई, एच यहाँ पर एम की तरह बिहेव करेगा, न्यू एक्स एक्सिस पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है माइनस सी, तो हमें एक ऐसा ग्राफ मिलेगा जो वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी से रिप्रेजेंट किया जा सकता हो, यानी जिसका जो वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव हो और उसकी स्लोप क्या हो, पॉजिटिव हो। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये फोर्थ नंबर ऑप्शन ऐसा दिखाई देता है कि इसकी जो इंटरसेप्ट है वो हमारे पास नेगेटिव है, और इंटरसेप्ट किसको बता रहा है, फाई को, और इसकी जो स्लोप है एम ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एच को, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारे पास में फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे हमें दिया हुआ है किसी धात्विक पृष्ठ से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए वाई अक्षीय अंतरिक्ष निरोधी विभव लिया गया, ये निरोधी विभव है वाई अक्ष, और एक्स अक्षीय अंतरिक्ष आपतित प्रकाश की आवृत्ति ली गई है, ये न्यू है। इनके मध्य जो ग्राफ और चतुर्थांश ढाल रेखा हमें प्राप्त होता है, तो हमें बताना रेखा की ढाल क्या होगी। फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी इज ऑन वाई एक्सिस एंड द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू, और हमको बताना है कि इंसिडेंट फोटॉन्स एज शोन इन द फिगर द स्लोप ऑफ द लाइन गिवन। तो आइए हम देखते हैं बच्चों ये वाला किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो एच न्यू विल बी इक्वल टू फाई प्लस निरोधी विभव के अगर हम टर्म्स में लिखें तो ये हो जाएगा ई वी। तो यहाँ से ई वी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ई वी की वैल्यू हो जाएगी एच न्यू माइनस फाई, यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी h बाई ई न्यू माइनस फाई बाई ई। तो यहाँ पर हमें बताना है द स्लोप ऑफ द लाइन। तो जैसा कि हम देख सकते हैं जो हमारे पास में जैसा कि हमें दिया हुआ है y एक्सिस के ऊपर, ये y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी टाइप की है, तो y एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या है, y एक्सिस के ऊपर हमारे को दिया हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी ये तो हमारा हो गया y एक्सिस स्टॉपिंग पोटेंशियल, न्यू ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे है, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो ये जो एम है अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं
तो ये m यानी जो स्लोप है वो है h बाई ई, यानी प्लांक कांस्टेंट और इलेक्ट्रॉन के आवेश का अनुपात। प्लांक कांस्टेंट एंड रेशियो ऑफ प्लांक कांस्टेंट टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो ये हमारे पास फोर्थ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, चले आगे आगे चलते बच्चों। अगला क्वेश्चन दे रखा है, द फिगर शोज द प्लॉट ऑफ फोटो करंट वर्सेज एनोड पोटेंशियल फॉर द फोटो सेंसिटिव सर्फेस फॉर थ्री डिफरेंट रेडिएशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो निम्न चित्र में एक प्रकाश संवेदी सतह को तीन भिन्न विकिरणों द्वारा प्रकाशित करने पर एनोड विभव और फोटो धारा के मध्य जो ग्राफ है, निम्न में से कौन सा सत्य है। जैसा कि हम देख सकते हैं, हम जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है यानी फोटोन फ्लक्स, वो तो किस पर निर्भर करती है, करंट पर। और दूसरा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन होती है वो किस पर डिपेंड करती है हमारे पास में, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है हमारे पास में जो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है उस पर। ठीक है, अगर मैं इन तीन ग्राफों की तरफ ध्यान से देखूं तो यहाँ पर ये नेगेटिव पोटेंशियल हमारे को दिखाया हुआ है, रिटार्डिंग पोटेंशियल। अगर मैं इसको V1 मान लूँ, इसको V2 मान लूँ, तो मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि V2 इज़ मोर नेगेटिव एज़ कम्पेयर टू V1। तो अगर मैं पहला ऑप्शन पढ़ता हूँ कि कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट इंटेंसिटी, ए एंड बी क्या इन दोनों के स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। अगर इनके स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो इसका मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होंगी, सेम होंगी। जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हैं, तो यानी ये ऑप्शन हमारा गलत है। कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटीज। तो देखते हैं हम ए और बी, तो हमें दिया हुआ है कि ए और बी रिप्रेजेंट द सेम फ्रीक्वेंसी, तो इन दोनों के स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होंगी, सेम। ए और बी की फ्रीक्वेंसी सेम होंगी, ये बात सही है। ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जब बात आती है तो इंटेंसिटी गवर्न करती है हमारे पास करंट को। तो आप देख सकते हैं ए और बी के अंदर जो ये करंट है ये दोनों अलग अलग है, कॉन्स्टेंट हो जाते हैं, बाद में सेचुरेशन करंट मिल जाता है हमारे को। तो ये करंट जो है अलग अलग है, इसका मतलब इनकी इंटेंसिटी भी अलग अलग रही होगी। तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है, डिफरेंट इंटेंसिटी समान आवृत्तियाँ और भिन्न तीव्रताएँ, ये हमारा करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा। ऐसी बी और सी में भी हम चेक कर सकते हैं कि रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बी और सी। तो फ्रीक्वेंसी तो दोनों की बिल्कुल सही बात है, डिफरेंट है, एंड डिफरेंट इंटेंसिटी, लेकिन इनकी इंटेंसिटी सेम है क्योंकि करंट सेम है। फोर्थ ऑप्शन बी और सी के अंदर फ्रीक्वेंसी सेम है, बी और सी की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है बच्चों इसका करेक्ट सोल्यूशन बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दे रखा है, द करेक्ट कर्व बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट आई इज। तो हम जानते हैं बच्चों कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है और इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट आई ये फोटोन फ्लक्स पर डिपेंड करती है, और दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। एक फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है और एक इंटेंसिटी जो है नंबर ऑफ फोटोन्स इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब है कि इसमें ये ऑप्शन जो है बच्चों हमारे पास, ये वाला जो ऑप्शन है बच्चों, इनमें कोई भी रिलेशन है नहीं। तो इस प्रकार से सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद दे रखा है, इन द फॉलोइंग डायग्राम इफ V2 इज ग्रेटर देन V1। जैसा कि मैं दे रखा है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो कम है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो फ्रीक्वेंसी जो होता है उस पर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसका मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम और इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लैम्डा के यानी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी यानी इसकी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। इसके अंदर एनर्जी कम होगी लेकिन इसकी वेवलेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट सोल्यूशन बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिगर रिप्रेजेंट अ ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी के ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी न्यू फॉर अ मेटल यूज एज अ कैथोड इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा के और आपतित प्रकाश किरण की आवृत्ति के मध्य ग्राफ खींचा गया, धातु का कार्यफलन हमसे पूछा है। तो जैसा मैं जानता हूँ कि जो हमारे पास में एच न्यू होता है वो किसके बराबर होता है, आइंस्टीन इक्वेशन से प्लस के।
तो के, क्योंकि वाई एक्सिस पे है तो ये हो जाएगा एच न्यू माइनस फाई, ठीक है, एच न्यू माइनस फाई हमें कार्यफलन चाहिए। इसको अगर मैं कंपेयर करूँ y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी से, तो ये जो c है वो मुझे फाई के बारे में बताता है, और यहाँ पर c यानी y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ये दो के ऊपर लगा हुआ है, तो यानी दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक प्रकाश स्थल एक छोटे 1 मीटर दूर रखे प्रकाश स्रोत से प्रकाशित है, यदि स्रोत को 1/2 मीटर दूरी पर रख दिया जाए तो फोटो कैथोड द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो हम जानते हैं बच्चों की जो इंटेंसिटी होती है ये प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, इंटेंसिटी होती है नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड, और साथ में जो ये इंटेंसिटी होती है ये किसी पॉइंट सोर्स के लिए अगर हम बात करें, एक प्रकाश स्थल है और ये हमें दिया हुआ है एक बहुत छोटा प्रकाश स्रोत है, तो इसका मतलब आई जो होता है वो इससे दूरी के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसा कि हमें दिया हुआ है कि पहले 1 मीटर पर रखा है तो आई विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/1 स्क्वायर, और उसके बाद 1/2 मीटर पर रखा है तो 1/4, ठीक है, स्क्वायर कर दिया हमने, तो इसका मतलब है आई बाई आई डैश अगर मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा 1/4, इसका मतलब है आई डैश मेरे को मिलेगा 4i, यानी पहले की 4 गुना हो जाती है, तो 4 के गुणांक से ये बढ़ जाएगी, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे को दे रखा है, जब किसी धातु सतह पर 2V0, यहाँ पर V0 डेली आवृत्ति है, का प्रकाश गिराया जाता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग है V1, और जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति 5V0 कर दी जाती है तो उसी सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग है V2, तो V1 और V2 का अनुपात हमसे पूछा गया है। तो आइए आइंस्टीन समीकरण का इस्तेमाल करते हैं, तो जब 2V0 का प्रकाश गिराया गया है 2h𝛎 इज इक्वल टू, जैसा कि हमें दिया हुआ है कि जो डेली आवृत्ति है वो V0 है, तो ये हम लिख देंगे h V0, और अधिकतम वेग जो है 1/2 mv max² वो हो गया ये, इसको इधर ले जाए तो बनेगा h V0 बराबर 1/2 mv1² अब ऐसे ही दूसरे के लिए लगाते हैं हम, दूसरा में दिया हुआ है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति अब हमने कर दी है 5V0, तो h 5V0 बराबर आवृत्ति वही है, और ये हो जाएगा प्लस 1/2 mv2², इसको इधर ले जाओ 4h V0 बराबर 1/2 mv2², इसको दे दिया सेकंड। अगर मैं 1/2 करता हूँ तो मेरे को मिलेगा 1/4 v1² / v2², यहाँ से v1/v2 हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पर हमारे पास में 1:2 जो है इसका करेक्ट सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दे रखा है बच्चों, एक 2 मिली वॉट शक्ति की लेजर 500 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य पर कार्यरत है, तो प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या क्या होगी। तो हम जानते हैं बच्चों कि जो हमारे पास में जैसे कि ये शक्ति दे रखी है, तो शक्ति हमारे पास होती है ऊर्जा प्रति सेकंड, और बच्चों ऊर्जा हमारे पास होती है 1 फोटोन की h𝛎, तो n फोटोन की nh𝛎, और इसको मैं टी से भाग दे दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी शक्ति, ठीक है। अब जैसे कि दे रखा है ये हमें निकालना है उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, n बाई टी की वैल्यू निकालनी है, तो n बाई टी यहाँ से हमारे पास हो जाएगा p/h𝛎, या न्यू को लिख सकते हैं c/λ, ठीक है। तो p हमारे पास जैसे कि मैंने दे रखा है 2×10⁻³ है, लेमडा हमारे पास में है 500×10⁻⁹, ठीक है, और एच 6.6×10⁻¾, और ये 3×10⁸, ठीक है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि 10⁻³, 10⁻¹, 10⁻¹⁰, और यहाँ पर आ जाएगी -26,
और 10 की पावर माइनस नीचे हो जाएगी हमारे पास में 10 की पावर माइनस 16 और 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 6 3 18। तो ये हमारे पास जो फाइनल इसका जो आंसर बनेगा बच्चों वो हमारे पास बन जाएगा 5 × 10 की पावर 15। ये हमारे पास फोटोनों की संख्या आ जाएगी 5 × 10^15। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हाइड्रोजन परमाणु को निम्नतम अवस्था से उत्तेजित अवस्था में ले जाया जाता है तब क्या होता है। व्हेन हाइड्रोजन एटम इज रेज टू फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट। तो हम जानते हैं बच्चों कि जो हमारे पास में ऊर्जा होती है अगर हम बात करें तो वो होती है के जेड ई ई डिवाइड बाई आर, ये होती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब जैसा कि मैं और काइनेटिक एनर्जी भी लिख देता हूँ। मैं काइनेटिक एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है उसकी होती है के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर। ये हमेशा काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं बच्चों ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है और जैसे जैसे हम इसको उत्तेजित अवस्था यानी ऊपर की किसी कक्षा में लेके जाएंगे तो आर का वैल्यू बढ़ेगा। आर का वैल्यू बढ़ेगा तो ये पूरा वैल्यू कम होगा, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब हम आते हैं इस पे, आर की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। तो आर की वैल्यू अगर हमारे पास बढ़ेगी तो के ई की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी हमारे पास पहला ऑप्शन जो है स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा का मान घटता है, ये करेक्ट हो जाएगा और ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो एक बार वापस मैं लिख देता हूँ कि जो हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ये नेगेटिव होती है। काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास होती है वो होती है के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर, और जो टोटल एनर्जी होती है हमारे पास वो होती है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब माइनस के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर। यहाँ से हम देख सकते हैं बच्चों जैसे कि हमें दे रखा है कि इसकी निम्नतम अवस्था में ऊर्जा हमारे को दे रखी है -13.6। अगर हम इन तीनों को ध्यान से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी होगी इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन देखें तो जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी। हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बच्चों वो काइनेटिक एनर्जी के -2 टाइम्स के बराबर होगी। ठीक है, -2 टाइम्स के बराबर होगी। और जैसा कि हमें दे रखा है कि इसकी निम्नतम अवस्था में ऊर्जा कितनी है, 13.6, यानी ये हमारे पास में दे रखी है ये वाली वैल्यू। जैसे अगर ये माइनस के अंदर 13.6 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, प्लस के अंदर 13.6, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होते हैं और नेगेटिव होते हैं। तो ये अगर मैं 13.6 रखूँगा तो मेरे पास वैल्यू मिलेगी 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक 1/2 mv² ऊर्जा का अल्फा कण या अल्फा नाभिक एक भारी नाभिकीय लक्ष्य है जिस पर जेडी आवेश या प्रविस्फोटित किया जाता है, तब अल्फा नाभिक की निकटतम पहुंच की दूरी किसके समानुपाती होगी। तो एक अल्फा न्यूक्लियस है हमारे पास में जिसकी एनर्जी 1/2 mv², ठीक है, निकटतम पहुंच की दूरी होती है हमारे पास के जेडी, और क्योंकि अल्फा न्यूक्लियस है तो इस पर 2 ही आवेश है डिवाइड बाई आर। तो यहाँ से अगर मैं आर की बात करूँ तो देखिए ज़रा, के 2 के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 1/2 mv² मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यानी यहाँ से अगर मैं देखूँ तो निकटतम पहुँच की जो दूरी है वो समानुपाती है 1/m के, वो समानुपाती है 1/v² के, वो समानुपाती है जेड ई के। तो इसका मतलब है यहाँ से अगर मैं ऑप्शन छांटूँ बच्चों तो ये मेरे को एक पहला जो ऑप्शन है वो ही सही मिल जाएगा, 1/m जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चले आगे। बोहर मॉडल में प्रथम कक्षा की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या है R0, तो चतुर्थ कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। हम जानते हैं बोहर मॉडल के अंदर अगर जेड जो है वो कांस्टेंट रहे तो आर एन समानुपाती होता है एन स्क्वायर के। इफ जेड रिमेन कांस्टेंट
देन आर एन जो रेडियस होती है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। जैसा कि हमें दे रखा है कि ये वाली त्रिज्या आर नॉट होगी अगर ये प्रथम कक्षा में है, तो हमें बताना है कि आर डैश कितनी होगी जब हम इसको ले जाएं चतुर्थ कक्षा में। तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, आर नॉट डिवाइड बाई आर डैश हो जाएगा 1/16, तो आर डैश हमारे पास हो जाएगा 16 आर नॉट। तो ये हमारे पास 16 आर नॉट यानी फोर्थ ऑप्शन जो है बच्चों वो एक करेक्ट सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, चले आगे। इसके बाद हमसे पूछा हुआ एक इलेक्ट्रॉन की प्रथम बोर कक्षा में डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। तो हम जानते हैं बच्चों कि बोहर की जो पोस्टुलेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग कि जो हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होता है, किसके NH बाई 2π के बराबर होता है। ये हमारी बोर पोस्टुलेट है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ से जैसा कि हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन की प्रथम बोहर कक्षा में डी ब्रोगली हमें तरंग दैर्ध्य बतानी है, इसको मैं MV को लिख सकता हूँ मोमेंटम P, और RN ये बराबर हो गया NH बाई 2π। जैसा कि मैं दिया हुआ है हमें फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर बतानी है, तो यहाँ पर N की वैल्यू को मैं 1 रख रहा हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ H बाई लेमडा RN H बाई 2π। तो यहाँ से बच्चों लेमडा की जो वैल्यू होगी हमारे पास में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से बच्चों लेमडा की जो वैल्यू होगी ये हमारे पास हो जाएगी 2πRL, यानी ये R जो वो रेडियस है जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इसमें दिया हुआ है हमारे को प्रथम कक्षा की परिधि के 1/4 के बराबर, जैसे कि हम देख सकते हैं ये परिधि के बराबर आ रही है, तो प्रथम कक्षा की परिधि के बराबर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। मुख्य क्वांटम संख्या N वाले हाइड्रोजन परमाणु की जो ऊर्जा है वो हमारे को दे रखी है -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एन बराबर 3 से एन बराबर 2 में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के लिए उत्पन्न फोटोनों की संख्या, फोटोन की ऊर्जा लगभग क्या होगी, तो हम देख सकते हैं डेल्टा ई जो होगा वो हमारे पास होगा E3 - E2। ये हमारे पास है -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर, ये हमारे पास 3 माइनस और -13.6 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों डेल्टा ई ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 13.6 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1/2 स्क्वायर -1/3 स्क्वायर। डेल्टा ई हमारे पास में हो जाएगा 13.6 1/4 -1/9 13.6 36 इसका लघु उत्तम आ जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सारी बातें चल रही हैं, 13.65/3 ये लगभग आ जाएगा हमारे पास 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इसका एक करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ पॉसिबल एनर्जी फॉर अ फोटोन टू बी एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू द बोर्स एटॉमिक रेडियस। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसी कौन सी ऊर्जा है फोटोन की जो कि किसी भी तरीके से जब भी ट्रांजिशन होता है किसी ऊपरी कक्षा से नीचे वाली कक्षा में तो वो फोटोन उत्सर्जित नहीं होगा, इसका मतलब है वो ऊर्जा जो है उसका फोटोन हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों हम जानते हैं कि जो हमारे पास में फर्स्ट ऑर्बिट होता है, जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसकी जो हमारे पास एनर्जी होती है वो होती है -13.6, दूसरे की जो हमारे पास एनर्जी होगी वो होगी -13.6 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, तीसरे की जो हमारे पास एनर्जी होगी वो होगी -13.6 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर, चौथे की जो हमारे पास एनर्जी होगी वो होगी -13.6 4 स्क्वायर। ऐसे अगर कोई इनफाइनाइट अगर हमारे को ले रखी हो, इनफाइनाइट कक्षा की जो एनर्जी होगी वो हो गई 0, क्योंकि 1/∞² बन जाएगा बच्चों, तो 1/∞² मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ 13.6/2 स्क्वायर तो ये हमारे पास आता है -3.4, ये हमारे पास में आता है करीब -1.5 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो हमारे पास आता है वो आता है करीब करीब
0.85, ठीक है। अब हम फोटोन की बात करते हैं, तो अगर हम फोटोन की बात करेंगे बच्चों, तो मैं क्या माइनस करूंगा, जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि इन्फाइनाइट से पहली कक्षा के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन आया, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास फोटोन एमिट होगा इन्फाइनाइट से फर्स्ट कक्षा के अंदर, वो कितना होगा, उसकी एनर्जी कितनी होगी, 0 - 13.6, तो ये आ गई 13.6। तो इसका मतलब है ये फोटोन तो मुझे मिलेगा। ऐसे ही अगर हम E2 - E1 करें, तो E2 मतलब -3.4 और ये प्लस हो जाएगा 13.6, तो ये हमारे पास आ जाएगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन भी हमें मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, इसके बाद मैं और अगर नीचे जाऊंगा, जैसे E3 - E2 करूंगा, E3 - E2 करूंगा तो 1 - 1.5 प्लस 3.4, -1.5 + 3.4, ये लगभग हमारे पास में, बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो ये आ जाएगी करीब करीब, जैसे कि हम देख सकते हैं 1 पॉइंट, और 34 में से अगर आप 15 निकालोगे तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि 13.6 के बाद सीधे एनर्जी कितनी ड्रॉप हुई, 10.8, और 10.8 के बाद में जो फोटोन मिला मुझे सीधे, वो मिला 1.9 का। इसका मतलब है मुझे 1.9 का भी इसका मिल रहा है, इसका मतलब है मेरे को 10.2 का भी मिल रहा है, 13.6 का भी मिल रहा है, और अगर मैं E4 - E3 करूँगा तो E4 - E3 मतलब 0.85 माइनस का 0.8, ई माइनस का है, माइनस का 0.85 प्लस 1.5, तो जब मैं इसको करूँगा बच्चों, तो मेरे को 0.65 का भी 0.65 का भी लगभग हमारे को क्या मिल रहा है, फोटोन मिल रहा है। इसका मतलब है कि हमारे को जो फोटोन नहीं मिल रहा है, वो कौन से का फोटोन नहीं मिल रहा है, कि 13.6 के बाद सीधे हमने जंप किया था 10.2 में, इसका मतलब 11.1 वाला जो फोटोन था वो मिसिंग था। इसके बाद के जो फोटोन्स हैं वो तो हमें मिल रहे हैं, लेकिन ये वाला जो फोटोन है बच्चों वो हमें नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4th, 11.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलें आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हाइड्रोजन परमाणु में किसी बोर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा कुल ऊर्जा का अनुपात कितना होगा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गतिज ऊर्जा जो होती है वो कुल ऊर्जा के बराबर होती है परिमाण में, और नेगेटिव होती है, मतलब आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि जो टोटल ऊर्जा होती है वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इनका अनुपात क्या रहा होगा, 1 - 1:1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन ऑर्बिट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसा कि हमें दे रखा है, टोटल एनर्जी जो है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और हम जानते हैं कि जो हमारे पास टोटल एनर्जी होती है वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, तो इसका मतलब है कि जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में होगी, इट विल बी नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, का मतलब हो गया 3.4, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारे पास में होती है -2 × काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब -2 × 3.4, ये हो जाएगी -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ऑप्शन से हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो एक करेक्ट सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नाभिक का आकार किस क्रम का होता है, किस ऑर्डर का होता है? नाभिक का जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास बच्चों 10^-15 मीटर होता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आसानी से आपने कर लिया होगा। निम्न में से कौन से नाभिकों का युग्म सम न्यूट्रॉनिक है, आइसोटोन्स है? तो सम न्यूट्रॉनिक मतलब ये हमारे पास जेड हो गया और ये ए हो गया, तो हमें चेक करना होगा A - Z। तो जिनके अंदर दोनों ग्रुप्स के अंदर A - Z की वैल्यू सेम होगी, तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वो सम न्यूट्रॉनिक होंगे। तो यहाँ पर 74 में से 34 घटाऊंगा तो मेरे को मिलेगा 40, 71 में से 31 घटाऊंगा तो भी मिलेगा 40, यानी ये दोनों सम न्यूट्रॉनिक है। इसके अलावा जैसे इसमें से ये घटाऊंगा तो 50, इसमें घटाऊंगा तो 52, इसमें से ये घटाऊंगा तो
84 में से अगर आप ये 38 घटाएंगे तो करीब करीब ये 46 के करीब हमारे को जो मिलेगा, और ये हमारे पास में इसको हम घटाएंगे तो ऑब्वियसली ये 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 मतलब ये मैच नहीं करेगा। ऐसे यहाँ पर ये 20 है, यहाँ पर ये 16 है, तो केवल एक ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका सम न्यूटोनिक मिल जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर अ ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज एक्स वन एंड एक्स टू। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है बच्चों, ड्यूट्रॉन और अल्फा कण के लिए प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा है। निम्न समीकरण के लिए मुक्त क्यू ऊर्जा का मान कितना होगा हमें देखना है। तो हम जानते हैं जो क्यू ऊर्जा होती है हमारे पास में, ये हमारे पास में होती है प्रोडक्ट की ऊर्जा माइनस रिएक्टेंट की ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो प्रोडक्ट हमारा कितना है, ये हमारे पास में इसके अंदर चार, ए की वैल्यू कितनी है, चार। ए की वैल्यू अगर हमारे पास चार है और प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा हमारे को दे रखी है इस हीलियम 2He4 के लिए अल्फा कण के लिए X2, ठीक है। तो मैं इसको चार से अगर मल्टीप्लाई कर दूं 4X2, तो ये मेरे पास मिल जाएगी टोटल बंधन ऊर्जा। क्यू ऊर्जा का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट की बंधन ऊर्जा माइनस रिएक्टेंट की बंधन ऊर्जा यानी बाइंडिंग एनर्जी 4X2 माइनस, और जैसा कि हम कह रहे हैं ये 1H2 है, इसमें ए की वैल्यू कितनी है, 2, यानी न्यूक्लियॉन कितने हैं, 2। न्यूक्लियॉन अगर 2 हैं तो प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा है X1, तो 2 के लिए कितनी होगी, 2X1। 2 के लिए कितनी होगी, 2 अगर इसकी वैल्यू है तो कितनी होगी, 2X1। लेकिन ऐसे कितने रिएक्टेंट है हमारे पास, 2, तो इसको हमें 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 कॉमन आ जाएगा बच्चों, X2 माइनस X1, यानी ये हमारा ऑप्शन जो है वो सेकेंड जो है इसका करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चले आगे। अ न्यूक्लियस हैज अ न्यूक्लियस XZA हैज मास रिप्रेजेंटेड बाय MZ, ये इसका जो है मास है। इफ MP एंड MN डिनोट्स द मास ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन रेस्पेक्टिवली देन बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम जानते हैं बच्चों कि अलग अलग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इनकी जो टोटल ऊर्जा होती है वो जब कलेक्ट होकर के एक नाभिक बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं, तो उनसे ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं अगर हमारे पास ये है तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, जेड, तो जेड इंटू MP, ये तो हो गई प्रोटॉन के लिए मास, ठीक है। प्लस न्यूट्रॉन कितने, ए माइनस जेड, और न्यूट्रॉन का मास कितना है, MN। ये हो गई न्यूक्लियॉन्स की कुल बाइंडिंग एनर्जी, और इसको अगर मैं माइनस कर दूंगा जो इसका जो मास है MAZ इससे, तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गई द्रव्यमान क्षति। और द्रव्यमान क्षति को अगर मैं C² से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, ठीक है ना, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, बंधन ऊर्जा, जैसा कि हमसे पूछिए बाइंडिंग एनर्जी, ये आ जाएगी। ये हमारे पास जो ऑप्शन है वो सेकंड वाले से मैच कर रहा है बच्चों। तो जो सेकंड ऑप्शन है हमारा, ZMP प्लस ए माइनस ZMN माइनस MAZ C², ये हमारा एक करेक्ट सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एक ज्यूट्रॉन को O816 के नाभिक पर विस्फोटित किया जाता है तथा एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है, तो उत्पाद का नाभिक क्या होगा। तो जैसा हमें कहा, एक ज्यूट्रॉन है उसको हमने इस पर विस्फोटित किया, हमें मान लो कोई एक टर्म मिला एक्स, और साथ में एक अल्फा कण उत्सर्जित हो गया। तो हम जानते हैं यहाँ 8 और 1 9 है, बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, 8 और 1 9, और यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 7 आएगा, 16 और 2 18, 18 और यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर ये 4 आएगा। अब आप देखिए कि ये एन से जो है वो मैच कर जाएगा, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिक्रिया 1H2 प्लस 1H3 ये बराबर है 2He4, और एक न्यूट्रॉन जो है वो इससे अलग हो रहा है, मैं 1H2, 1H3 और 2He4 की बंधन ऊर्जाएं ए बी तथा सी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जैसा कि हमारे को दे रखा है बाइंडिंग एनर्जीज। द एनर्जी रिलीज विल बी, तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी बच्चों वो हमें यहाँ से बताना है। तो एनर्जी जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो रिलीज होगी वो होगी इसकी बंधन ऊर्जा, प्रोडक्ट की बंधन ऊर्जा माइनस रिएक्टेंट की बंधन ऊर्जा यानी ए माइनस बी, तो सी माइनस ए माइनस बी, ये इसका जो है करेक्ट सॉल्यूशन बन जाएगा।
ठीक है ना, ये हमारे पास जो होगी एनर्जी रिलीज रह जाएगी, डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जी। सलयन अभिक्रिया में उच्च तापमान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वाई हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर फ्यूजन रिएक्शन, एट हाई टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी इज सफिशिएंट टू ओवरकम द रिपल्सिव फोर्सेस। बिल्कुल सही बात है, जो फ्यूजन प्रोसेस होती है वो जो हल्के जो न्यूक्लियस होते हैं, लाइट न्यूक्लियस होते हैं, उनके बीच में हम वो प्रोसेस करते हैं, तो एट ए वेरी हाई टेम्परेचर दे मूव सो फास्ट सच दैट, वो इतनी तेज मूव करते हैं कि जो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक दूसरे के अंदर रिफ्यूज़ होने लग जाते हैं। रिफ्यूज़ होने के कारण उनके बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है वो एक दूसरे को दूर उठाना चाहता है, लेकिन वो इतनी तेज़ी से मूवमेंट करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ में फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इस वजह से हमारे को हाई टेम्परेचर चाहिए। तो ये इसका ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा, बाकी जितने भी ऑप्शन हैं बच्चों वो करेक्ट नहीं है। जैसे परमाणु आयनित हो जाते हैं, अणु विखंडित हो जाते हैं, नाभिक विखंडन हो जाता है, ऐसा नहीं है। हमें बेसिकली क्या करना होता है, वो एक दूसरे के पास ही क्यों है, क्योंकि वो तो रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे, उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है जो हाई टेम्परेचर पर मिलती है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन बम जो है वो किस फिनोमेना के ऊपर बेस्ड है? इट्स अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, हम जानते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन जो है इसके ऊपर बेस्ड ये है। द मास नंबर ऑफ हीलियम इज 64 एंड फॉर सल्फर इज 32। द रेडियस ऑफ सल्फर न्यूक्लियस इज लार्जर देन दैट ऑफ हीलियम बाय द टाइम। तो हम जानते हैं बच्चों कि जो रेडियस होती है वो प्रोपोर्शनल होती है ए की पावर 1/3 के। फॉर हीलियम इट इज 4, तो 4 टू द पावर 1/3। एंड फॉर सल्फर ये हमें दे रखा है 32, इसको आर डैश मान लेते हैं, तो R/R इट विल बी इक्वल टू, इसको हम करेंगे तो 1/8 की पावर 1/3 यानी 1/2, तो R' विल बी इक्वल टू 2 times of R यानी इससे डबल हमारे को जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। अ न्यूक्लियर रप्चर्स इनटू टू न्यूक्लियस न्यूक्लियर पार्ट्स विच हैव देयर वेलोसिटीज रेशियो इक्वल टू 2:1, तो V2/V1 बच्चों हमें दे रखा है इट इज 2। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर साइज? तो हम जानते हैं कि जब वो रप्चर होगा तो इंटरनल प्रोसेस के कारण हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स इज 0, सो वी कैन यूज लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। सो M1V1 विल बी इक्वल टू M2V2 बिकॉज स्टार्टिंग के अंदर वो रेस्ट पर था, दोनों अपोजिट साइड के अंदर ब्रश होंगे, तो M1V1 - M2V2 = 0, तो M1V1 = M2V2। तो यहाँ से M1/M2 हमें मिलेगा V2/V1, और यहाँ से V2/V1 अगर हम बात करें जैसा कि मैं देखा वेलोसिटी रेशियो 2:1, तो ये V1 है और ये V2 है, ठीक है ना। तो V2/V1 कितना हो जाएगा हमारे पास में 1/2। अब हमें न्यूक्लियर साइज चाहिए R1/R2, ये मास पर डिपेंड करता है, और कैसे डिपेंड करता है? M1/M2 की पावर 1/3, तो M1/M2 यहाँ से कितना आ रहा है 1/2, इसकी पावर 1/3, तो 1:2 to the power 1/3, ये सेकंड ऑप्शन जो है बच्चों हमारे पास करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चले आगे। अब अगला सवाल हमें दे रखा है बच्चों, रेडियम का अर्धायु काल है 1600 वर्ष, तो 6400 वर्षों पश्चात रेडियम का कितना अंश बचेगा? तो जैसा कि हम दिया हुआ है हाफ लाइफ पीरियड है 16 ईयर, ठीक है, और हमें बताना है फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ रेडियम दैट वुड रिमेन आफ्टर 6400 ईयर्स। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने हमारे पास में हाफ लाइफ हो जाएंगे, 1600 के बाद 3200 4800 और 64, यानी 4 हाफ लाइफ हो चुकी होंगी। तो n विल बी इक्वल टू n0 1/2 की पावर n, तो n/n0, तो ये वो फ्रैक्शन है जो बचेगा 1/2 की पावर 4, यानी ये कितना आ जाएगा बच्चों 1/16, इसका मतलब है इतना फ्रैक्शन जो है वो बचेगा, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। अल्फा रे एमिटेड फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो 2HE4 होते हैं,
और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नहीं, पॉजिटिवली चार्ज है, आयनाइज्ड हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई नहीं है, डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम, यस ये डबली आयनाइज्ड होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा करेक्ट सॉल्यूशन बन जाएगा, अनचार्ज पार्टिकल बिल्कुल भी नहीं, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। द रेडियो एक्टिविटी ऑफ अ सर्टन रेडियो एक्टिव एलिमेंट ड्रॉप टू 1/64 टू इट्स इनिशियल वैल्यू इन 30 सेकेंड्स, इट्स हाफ लाइफ विल बी। तो जैसा कि हमें दिया हुआ है कि एक्टिविटी हमारे को दे रखी है, रेडियो एक्टिविटी ऑफ अ सर्टन एलिमेंट ड्रॉप्स टू 1/64 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन 30 सेकेंड। तो हम जानते हैं ए सी एक्टिविटी विल बी इक्वल टू ए सी नॉट, और यहाँ पर आता है 1/2 की पावर t/t, और ये जो ड्रॉप हो गई है वो हो गई है 1/64 इज इक्वल टू ए सी नॉट, इनिशियल वैल्यू की 1/64, और यहाँ पर आ जाएगा 1/2 की पावर t/, और जैसा कि हमें दे रखा है ये t की वैल्यू हमारे को दे रखी है बच्चों 30, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 6, और यहाँ हो जाएगा 1/2 की पावर 30/t, इनको आपस में कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा 30/t, t आ जाएगा बराबर 5 सेकेंड। तो ये हमारा जो अर्धायु काल है बच्चों ये आ जाएगा 5 सेकेंड, ठीक है। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप मास के लिए भी लगा सकते हैं, ये आप जो हमारे पास डीके होता है हमारे पास में नंबर ऑफ न्यूक्लियस के लिए भी लगा सकते हैं, ये हम एक्टिविटी के लिए भी लगा सकते हैं। तो ये फार्मूला मल्टीपर्पज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हमें याद रखना चाहिए। ओके आगे बढ़ते हैं। द रेशो ऑफ हाफ लाइफ टाइम्स ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी इज टी ए बाई टी बी, द रेशो ऑफ रेस्पेक्टिव डीके कॉन्स्टेंट। तो हम जानते हैं बच्चों हाफ लाइफ टाइम पीरियड दिया हमें टी ए बाई टी बी, और हमें डीके कॉन्स्टेंट बताना है। तो जो हमारे पास हाफ लाइफ होती है वो हम जानते हैं लॉग 2 बाई लेमडा, यानी 1 बाई लेमडा के प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर ये टी ए बाई टी बी दे रखा है तो हमें बताना है डीके कॉन्स्टेंट का रेशो। तो इसका मतलब ये है कि टी ए बाई टी बी किसके बराबर होगा, लेमडा बी बाई लेमडा ए, और लेमडा ए बाई लेमडा बी निकालेंगे तो ये आ जाएगा टी बी बाई टी ए। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों ये हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72। इफ टी इज द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटीरियल देन द फ्रैक्शन दैट वुड रिमेन आफ्टर अ टाइम टी बाई टू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बड़े आसानी से ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, एन इज इक्वल टू एन नॉट 1/2 to the power t/t half, ये हाफ लाइफ है कैपिटल टी हमारे पास में। हमें ये कहा गया है कि हाफ लाइफ जो है वो तो है टी, और टी बाई टू के बाद में कितना जो है फ्रैक्शन वो हमारे पास में बचेगा वो हमसे पूछा है। एन बाई एन नॉट ये वो फ्रैक्शन है जो बचेगा, और यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/2, कितने टाइम बाद हमसे पूछा है टी बाई टू, तो स्मॉल टी की जगह मैं रखूँगा टी बाई टू, और हाफ लाइफ कितनी है टी, तो ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये बचेगा 1/2 की पावर 1/2, या ये बचेगा 1/√2। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, करेक्ट। चले आगे। अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एमिट एन बीटा पार्टिकल्स इन द फर्स्ट 2 सेकेंड एंड 0.5 n beta particles इन द नेक्स्ट 2 सेकेंड, द मीन लाइफ ऑफ द सैंपल इज। रेडियो सक्रिय पदार्थ पहले 2 सेकेंड में एन बीटा और अगले 2 सेकेंड में 0.5 n beta कण उत्सर्जित करता है। तो इसका मतलब है कि जो डिके हो गया है वो पहले से आधा हो गया है, पहले 2 सेकेंड के अंदर एन बीटा पार्टिकल जो थे वो एमिट हो रहे थे, और अगले 2 सेकेंड बाद 0.5 n beta पार्टिकल हो रहे हैं, यानी पहले से हमारा जो डिके है वो क्या रह गया है, हाफ रह गया है। पहले से अगर हमारा डीके हाफ रह गया है इसका मतलब है कि ये जो 2 सेकेंड है यही हमारा हाफ लाइफ है, ठीक है ना। पहले एन बीटा चाह रहे थे और अब 0.5 n beta, 0.5 n का मतलब ये हो गया पहले से डीके आधा हो गया,
पहले से डिके आधा हो गया, यानी ये इसकी हाफ लाइफ हो गई। ओके, अब हमें बताना है मीन लाइफ। तो मीन लाइफ का जो हमारे पास में फंडा है वो क्या है बच्चों, कि जो मीन लाइफ होती है हमारे पास में वो होती है 1/लैम्डा के बराबर। और हाफ लाइफ और लैम्डा के बीच में रिलेशन ये है कि ये होता है लॉग बेस ई टू, या लॉन कह देते हैं इसको हम, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लॉन कह देते हैं, लॉन टू डिवाइड बाई टी हाफ। तो टी एम विल बी इक्वल टू 2/लॉन 2। तो ये हमारे पास में इसका आंसर बनेगा 2/लॉन 2, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चले आगे, हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल व्हेन एक्टिविटी ऑफ मटेरियल इज इनिशियली वाज 8 काउंट एंड आफ्टर 3 आवर्स इट बिकम्स 1 काउंट। तो ये एक सवाल कर लेते हैं, एक्टिविटी विल बी इक्वल टू AC0 और यहाँ पर आ जाएगा 1/2 की पावर t/t। तो हमें बतानी है हाफ लाइफ 3 घंटे बाद, और हमें ये दिया हुआ है व्हेन एक्टिविटी ऑफ मटेरियल इनिशियली वाज 8 काउंट एंड आफ्टर 3 आवर्स इट बिकम्स 1 काउंट। तो शुरुआत में जो थी वो थी 8 काउंट और बाद में हो गई 1 काउंट, कितने घंटे में हो गई बच्चों, 3 घंटों में हो गई। और हाफ लाइफ में बतानी है, टी इज द हाफ लाइफ। तो 1/8 विल बी इक्वल टू 1/2 to the power 3/t। 1/8 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 to the power 3, यहाँ से 3/t कंपेयर करने पर कितना आ जाएगा 3, और t कितना आ जाएगा बच्चों 1। तो इसका मतलब 1 घंटा 1 आवर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इनिशियल मास नंबर ए एंड एटॉमिक नंबर इज जेड एमिट्स 3 अल्फा पार्टिकल 2 पॉजिट्रॉन्स एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टू दैट ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो आइए करते हैं, पहले इक्वेशन लिखते हैं। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है हमारे पास में, मास नंबर इसका ए है और एटॉमिक नंबर जो है इसका जेड है। तो हम इसको लिख देते हैं जेड ए, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक इससे मान लीजिए वाई एलिमेंट बन रहा है, ये 3 अल्फा पार्टिकल 3 2HE4 प्लस 2 पॉजिट्रॉन्स यानी 2E+1 0। तो आइए अब इक्वेशन हम बैलेंस कर देते हैं बच्चों। तो ये हो गया, ऊपर से करते हैं 4 3 12, तो यानी यहाँ पर हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा A-12, और नीचे से इसको अगर हम बैलेंस करते हैं ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 8, तो यानी ये हो गया Z-8। ये हमारे पास में नया न्यूक्लियस बना। हमें बताना है कि जो भी फाइनल न्यूक्लियस बना है, परिणामी नाभिक जो बना है, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर क्या होंगे। तो प्रोटॉन का नंबर तो है मेरे पास Z-8, न्यूट्रॉन का नंबर देखते हैं, A-Z होता है ये, तो A-12 - Z-8, A-Z - 12+8, तो ये बनेगा A-Z - 4। ये हमारे पास क्या बना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइड बाई नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये हमारे पास आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है, आसान है। आगे बढ़ते हैं फिर। इन ए रेडियो एक्टिव डिके द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज टी हाफ इज इक्वल टू 69.3 सेकेंड, द डिके कॉन्स्टेंट विल बी। तो हमें डिके कॉन्स्टेंट बताना है। ओके, तो हम जानते हैं हाफ लाइफ अगर हमारे को दी हुई है तो लैम्डा जो होता है वो हमारे पास में होता है, टी हाफ की पहले हम बात कर लेते हैं, टी हाफ जो हमारे पास होता है बच्चों वो होता है लॉन टू यानी बेस ई पर डिवाइड बाई लैम्डा। तो लैम्डा हमारे पास क्या होगा, 0.6931 लॉग टू की वैल्यू ऑन द बेस ऑफ ई 69.3। तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये 2 0 इधर सरकेंगे तो 0.01 सेकेंड। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है बच्चों ये क्या हो जाएगा, इसका एक करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाफ लाइफ ऑफ टू रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली 20 मिनट्स एंड 40 मिनट्स
इनिशियली द सैंपल्स ऑफ ए एंड बी हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. तो ए और बी के अंदर शुरुआत में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या है, समान है. आफ्टर 80 मिनट्स द रेशियो ऑफ रिमेनिंग नंबर ऑफ ए एंड बी. तो पहले ए के लिए लिख देते हैं, एन इज इक्वल टू एन नॉट, जैसा कि हमें दिया हुआ है दोनों में ही इनिशियली सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, तो दोनों के लिए मैं एन नॉट यूज कर रहा हूँ. ये हो जाएगा एक बटे दो, इट इज़ फॉर ए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट. टी कितने मिनट बाद की बात कर रहे हैं हम, 80 मिनट की, और हाफ लाइफ जो है वो ए का है 20 मिनट. ठीक है, ये बन जाएगा एन नॉट 1/2 की पावर 4. और बी के लिए अगर हम लिखें तो एन नॉट 1/2 टू द पावर 80 मिनट्स इसके लिए भी, और लेकिन इसका हाफ लाइफ हमारे पास है 40. तो ये बन जाएगा एन नॉट 1/2 स्क्वायर. ठीक है, तो इनका जो रेशो है वो हमारे पास आ जाएगा 1/2 टू द पावर 4 / 1/2 टू द पावर 2. थर्ड ऑप्शन जो है हमारे को इसका करेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 78 हमें दे रखा है बच्चों, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट्स. द अप्रॉक्सिमेट टाइम इंटरवल T2 - T1 बिटवीन द टाइम T2 व्हेन 2/3 ऑफ इट हैज डिकेड एंड टाइम T1 व्हेन 1/3 ऑफ इट हैज डिकेड. तो 2/3 डिके हो गया है, यानी बचा कितना है हमारे पास 1/3 जब टाइम T2 यूज कर रहे हैं. तो एन नॉट बाई थ्री इतना बचा है, ये आ जाएगा 1/T2/20. ठीक है, और हमें दे रखा है व्हेन 1/3 ऑफ इट हैज डिकेड, यानी बचा कितना है 2/3 एन नॉट, कितने टाइम में T1 टाइम में 1/2 टू द पावर T1/20. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं यहाँ पे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1/2 विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर T1, और यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड बाई 20. ओके, और नीचे आ जाएगा हमारे पास में 2 टू द पावर T2/20. ओके, तो यहाँ से 1/2 किसके बराबर आ जाएगा 2 टू द पावर T1 - T2/20. ओके, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा T1 - T2/20. ये हो जाएगा 2 इनवर्स, इसका मतलब -1 विल बी इक्वल टू T1 - T2/20. तो ये 20 इधर चला जाएगा और माइनस का इधर गुणा कर देंगे तो T2 - T1, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 20. तो 20 मिनट्स जो है वो हमारा करेक्ट सॉल्यूशन बन जाएगा. ओके, आगे देखते हैं. हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 10 डेज, द टाइम ड्यूरिंग विच द क्वांटिटी रिमेन्स 1/10 ऑफ द इनिशियल मास. अब हम मास की बात कर रहे हैं बच्चों, तो एम मान लो शुरुआत में एम नॉट मास था, तो अब कितना बचा है द टाइम ड्यूरिंग विच द क्वांटिटी रिमेन 1/10 ऑफ द इनिशियल मास, यानी अब ये बचा है 1/10, तो इंटू 1/2 टू द पावर T/T. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से 2 टू द पावर T/10 ये हमें मिलेगा 10. दोनों तरफ बच्चों में लॉग ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा T/10 लॉग बेस 10 पर लिया है मैंने 2 बराबर लॉग 10. दोनों तरफ लॉग ले लिया बेस 10 पर, तो ये बेस जो है इनके 10 है, तो T/10 ये हो गया 0.30 या 0.3 इसको हम छोड़ देते हैं अभी, ये हो गया 1. T/10 ये हो गया 1/0.3 या फिर ये हो जाएगा 10/3. टी हमारे पास आ जाएगा 100/3 एंड अप्रॉक्सीमेटली इट विल बी इक्वल टू 33.
तो 33 डेज जो है बच्चों इसका जो है करेक्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके चलें आगे। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कंटेन 10,000 न्यूक्लियाई एंड इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज 10 डेज। ओके द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द 10 डेज। तो हमें एन निकालना है, ये दे रखे हैं हमें 10,000। ओके और ये हो जाएगा 1/2 to the power, हाफ लाइफ इज 20 और 10 डेज के बाद में हमारे को बताना है, तो T/20 हो जाएगा, T/T½। ठीक है, तो n हमारे को जो है वो निकालना है, नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ 10 डेज। तो ये हो जाएगा 10,000 बाय, इसको काटेंगे तो T½ मतलब √2। तो हम एक काम करते हैं, इसको भी √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, √2 से डिवाइड करते हैं। √2 √2 कितना हो गया हमारे पास में 2, ये हो जाएगा 5,000 और इसको 1.414 लिखेंगे तो 14 × 5 = 70, 7070, ये करीब इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चले, तो द न्यूक्लियस कैडमियम 48115 आफ्टर 2 successive beta-decay विल गिव। तो कैडमियम जो है उससे 2 beta decay हो रहे हैं, तो हमने इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, 2 beta decay, मैं दोनों बीटा डिको को एक साथ लिख रहा हूँ, -10। तो हमें क्या क्वांटिटी मिलेगी, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं बच्चों इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, 115 का 115 ही रहेगा, और ये -2 है, इधर है 48, तो हमें यहाँ पर ये अगर 50 ले लें तो बैलेंस करने पर 50 − 2 = 48, तो ये क्वांटिटी बच्चों हमें मिलनी चाहिए, और ये क्वांटिटी हमें अब ऑप्शन में से देखें तो फोर्थ ऑप्शन में मिलती है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। 82 मीन लाइफ ऑफ रिएक्टर एग्जांपल इज 100 सेकंड, देन हाफ लाइफ विल बी, तो जैसा कि हमें दे रखा है कि जो मीन लाइफ है हमारे पास में वो हमें दे रखी है 100, मीन लाइफ होती है 1/λ, तो 1/λ, लेमडा होता है हमारे पास में log2 T½, तो T हमारे पास हो जाएगा 100 इंटू ये log2 होता है 0.6931, तो T हमारे पास हो जाएगा 69 सेकेंड, करीब करीब 69 सेकेंड। तो हमें ये लेकिन ये मिनट में पूछी है, जैसा कि हमें दिया हुआ है मिनट में पूछी है, तो इसको हमें 60 से और डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास करीब करीब इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1.15 मिनट। ओके तो यही हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज हाफ लाइफ ऑफ 1 year, द फ्रैक्शन ऑफ दिस मटीरियल दैट वुड रिमेन आफ्टर 5 years, तो एन विल बी इक्वल टू एन नॉट 1/2 to the power 5 / 1, तो n विल बी इक्वल टू n₀/32। तो कितना फ्रैक्शन विल रिमेन, तो 1/32 फ्रैक्शन जो है वो इसका बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, किसी रेडियो धर्मी तत्व का क्षय नियतांक 1.5 × 10⁻¹⁹ प्रति सेकंड है, इसकी औसत आयु सेकंड्स में कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो Tm हम जानते हैं बच्चों ये होता है 1/λ के बराबर, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1.5 × 10⁻⁹, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3 × 10⁻⁹, 0.67 करीब करीब × 10⁹, या 6.7 या 6.67 × 10⁸, ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आंसर ये बन जाएगा। 85 हाफ लाइफ ऑफ ए सब्सटेंस 10 ईयर, इन वॉट टाइम इट बिकम्स 1/4 part of द इनिशियल अमाउंट।
तो ये बन जाएगा इनिशियल का 1/4 पार्ट, ओके ये लिख सकता हूँ 1/2 स्क्वायर, 1/2 टू द पावर टी बाई 10, टी बाई 10 कितना हो गया 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 20 ईयर्स। तो हमारे पास इसके अंदर जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है 20 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, 86 न्यूक्लियस प्रोड्यूस ड्यू टू अल्फा डिके ऑफ अ न्यूक्लियस। जब अल्फा डिके होता है बच्चों तो इसका मतलब है 2He4 इसमें से निकल जाता है, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ये वाई बोल देता हूँ मैं, 2He4, तो यहाँ तो A-4 रह जाएगा और यहाँ Z-2 रह जाएगा, तो ये वाला जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास ये करेक्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 48 आवर्स, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू डिसइंटीग्रेट टू इट्स 1/16 पार्ट। तो एन बाई 16 रह गया है वो 1/2 टू द पावर टी डिवाइड बाई 48, ये हो गया 2 टू द पावर 4 टी बाई 48। तो यहाँ से टी बाई 48 कंपेयर करूँ तो आ जाएगा ये और ये आ जाएगा 192 आवर्स, ठीक है तो ये हमारे पास 192 आवर्स इसका करेक्ट सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। 88 पर चलते हैं, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज अबाउट 1600 ईयर्स एंड ऑफ 100 ग्राम ऑफ रेडियम इज एग्जिस्टिंग नाउ, 25 ग्राम विल रिमेन अनचेंज्ड। 100 ग्राम जो है उसका आज ऑफ 100 ग्राम एग्जिस्टिंग नाउ, आज इसका वो ये है, तो 25 ग्राम विल रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर। तो आज जो हमारे पास में है वो 100 ग्राम है और बाद में जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25, तो 1/4 यानी 2 स्क्वायर और हाफ लाइफ दे रखी है हमारे को, तो टी बाई 1600 ये आ जाएगा 2 के बराबर, टी हमारे पास आ जाएगा 32 ईयर्स, यानी इतने सालों के बाद में हमें ये कंडीशन मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों, एक रेडियो सक्रिय पदार्थ की सक्रियता यानी एक्टिविटी 9 वर्ष पश्चात अपनी प्रारंभिक सक्रियता आर नॉट की एक तिहाई रह जाती है, एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिक्रीज टू 1/3 ऑफ इट द ओरिजिनल वैल्यू इन 9 ईयर्स, तो फर्दर 9 ईयर्स में इसकी एक्टिविटी कितनी रह जाएगी। हम जानते हैं बच्चों एक्टिविटी के टर्म्स में, अगर हम आर के टर्म्स में लिखें एक्टिविटी को, तो जैसे कि मैं कहा हुआ है कि 1/3 रह गई है, तो आर इज इक्वल टू आर नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, इसको मैं लिख सकता हूँ और ये 9 सालों में ऐसा हुआ है, इसका मतलब है ई की पावर माइनस 9 लैम्डा ये किसके बराबर है 1/3 के, ओके। अब हमें कहा है और 9 सालों बाद क्या होता है, तो अब एक्टिविटी कितनी रह जाएगी, मान लो आर डैश रह जाएगी, इसके लिए इनिशियल वैल्यू क्या होगी, ये आर नॉट बाई 3, तो नेक्स्ट 9 ईयर्स में देखते हैं क्या होता है, e की पावर माइनस 9 लैम्डा का जैसे कि वैल्यू हमने निकाल रखी है 1/3, तो ये कितना आ जाएगा आर नॉट बाई 9, तो ये हमारा जो ऑप्शन है थर्ड वो क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19, अ रेडियो एक्टिव मटेरियल हैज हाफ लाइफ 10 डेज, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मटेरियल वुड रिमेन आफ्टर 30 डेज। तो हाफ लाइफ जैसा कि हमें दे रखा है वो दे रखी है 10 डेज, ये रह जाएगा 3 यानी 1/8 और 1/8 बच्चों करीब करीब होता है 0.125, तो हमारे पास ये थर्ड ऑप्शन जो है वो एक करेक्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। तो बच्चों विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, आई होप कि ये वाला पेपर आपका बहुत अच्छा गया है
और आगे के पेपर के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से मेहनत कीजिए और नीट 2022 के अंदर आप एक बहुत अच्छा स्कोर कीजिए, अपने सपनों को साकार कीजिए। तो इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, मैं स्वदेश कुमार अग्रवाल बस इस पार्ट के अंदर यहीं इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय सी एल सी।